अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? किस तरह की बात सुनना चाहते हैं प्रोग्राम के शुरू में? ज़रा फ़नी, ज़रा थोड़ी दिमाग वाली, या फिर मस्ती वाली? कैसी बात सुनना चाहते हैं? मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बात करनी चाहिए आज जो दिल पे लगनी चाहिए, और अगर ये बात लोग समझ जाएँ तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं। आपको पता है, कहते हैं कि घर का बनाओ सिंगार, घर का रख रखाव, बच्चों की परवरिश, घर की सफाई सुथराई, घर का माहौल, सब कुछ औरत पर डिपेंड करता है। ये अक्सर हमने कहते हुए सुना है, भाई औरत ने साफ सुथरा रखना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों को तरबियत देनी है, सब औरत 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 की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर जायज़ा लें आप पूरे सूरत हाल का, तो एक्चुअली ये सब मर्द के बेहतरीन होने से अच्छा होता है। यानी कि इसका सारा दारोमदार मर्द पे घूमता है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगी। अगर मर्द का मूड अच्छा होता है अपनी बेगमात के साथ, तो उनका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। ना वो बच्चों को डांटती हैं, ना वो मासी को डांटती हैं, ना वो घर में सास से लड़ाई करती हैं, बल्कि खुद भी हंसते हंसाते सारे काम बहुत ही बाखूबी सर अंजाम देती हैं। लेकिन जब वो घर का शेर घर में आता है और चिंगाड़ने लगता है, बच्चे इधर छुप जाते हैं, बीवी उधर छुप जाती है, वो किचन में टसवे बहा रही होती है और सास थोड़ा थोड़ा सा हंस रही होती है, तो फिर घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और सब कहते हैं अल्लाह मियाँ अब्बू थोड़ी देर से आ जाएं, आज ट्रैफिक में फंस जाएं, बॉस रोक लें ताकि हम थोड़ा टीवी और देख लें। अच्छा, कुछ मर्द बाहर तो बहुत ही खुश इखलाक होते हैं और उनकी खुश इखलाकी की मिसालें दी जाती है, वाह 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 कितना खुश इखलाक इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। घर आके जो उनका रंग बदलता है, वो खुश इखलाकी बद मिजाजी में बदलती है। ऐसा लगता है कि उनकी उनकी ज़िंदगी के सारे जो फ्लॉज हैं, जो मसले हैं, जो कहते हैं ना खामियाँ हैं, वो सब उनकी बीवी की वजह से है। तेरी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका। अच्छा, मेरे अब्बू तो मेरी अम्मी को एक इल्ज़ाम देते थे, अच्छे खासे घुंघरियाले बाल थे मेरे, तुमने कंघा फंसा फंसा के सब गंजा कर दिया मुझे। मैंने कहा अब्बू ये क्या इल्ज़ाम है भाई, मैंने कहा हम जब से होश में आए हमने आपको तो बगैर बालों के देखा है, अब ये क्या नहीं बेटा मेरे घुंघरियाले बाल थे, तुम्हारी अम्मी की वजह से देखो गिर गए सारे। तो ये तो एक मजाक बना हुआ है। फिर बीवी को तंग करना, मोटी है अब भाई, चार बच्चों पैदा करने के बाद अगर बेचारी मोटी हो गई तो उसको घड़ी घड़ी मोटी ख्याल नहीं रखती, बद्दी हो गई ये हो गई, घड़ी घड़ी उसका दिल दुखाना, ये कहाँ की शराफत है भाई। उसके बाद अगर कहीं गलती से पूरे घर में एक जाला नजर आ गया, एक पूरी लिस्ट खुल जाती है। मैं कमा कमा के थक गया हूँ, तुम ये सफाई नहीं रख सकती हो, गलती से खाने में नमक तेज हो गया, मेरे अल्लाह। और ये जो रमज़ान शरीफ है ना, इसमें जो गुस्सा और चिड़चिड़ाहट है ये रूज पे होती है। रोज़ा लग रहा होता है, मर्दों को रोज़ा रखते हैं, उसके बाद रोज़ा रख के जो बीवी पे एहसान होता है रोज़े का, मेरा रोज़ा है, मुझे घर साफ चाहिए, ओहो सोने पे सुहागा, बीवी के घर चला गया, यानी बीवी के मैके चला गया और वहाँ प्रोटोकॉल नहीं मिला, दूसरे दामाद को मिल गया, तो बीवी की तो खैर नहीं है भाई। घर आके जो उसको बातें सुननी पड़ती हैं, वो पूरे साल का जो है ना वो कसर निकाल देता है सुना 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 के। तो दुल्हा भाई, आप बहुत अच्छे भी होते हैं कभी कभी, लेकिन ज़रा सा अपनी बेगमात का ख्याल कीजिए। ये याद रखिए, घर की मालकिन खुश रहेगी तो पूरा घराना खुश रहेगा। उसका मूड अगर सड़ा हुआ हुआ ना, अगर आपकी बेगम का मूड सड़ा हुआ, जली हुई रोटी मिलेगी खाने को, जला हुआ सालन मिलेगा खाने को, गंदे बच्चे मिलेंगे देखने को, चिड़चिड़े बच्चे मिलेंगे देखने को, और आपकी अम्मी का मूड भी अच्छा नहीं होगा, उनके मुंह से भी शिकायतें ख़त्म ही नहीं होंगी आपकी बेगम की। तो अगर बेगम से वो सारी ख्वाहिशात आपने पूरी करानी है जिसके आप मुंतज़र हैं, आपके घर बच्चे अम्मी वगैरह वगैरह, तो आप खुश रखें। और खुशी बहुत सस्ती है, मैं आपको टिप्स देती हूँ यार, वो जो सिग्नल पे गजरे वाले नहीं होते, एक गजरा खरीद लो 10 रुपए, पतले वाला जो होता है, मोटा वाला भी नहीं खरीदो,
जिसमें फूल झड़े हुए भी हो, बस थोड़ी सी चार पांच फूल हो, खुशबू आ रही हो, बोलो लाते लाते झड़ गया, वो दे दो। एक फूल दे दो, वो बच्चा उसमें ही बेच रहा होता फुटपाथ पे, एक फूल दे दो, यकीन मानो कितनी भी बातें सुना दोगे, वो एक फूल दे दोगे ना बीवी खुश हो जाएगी। मैं कब कह रही हूँ हीरे की अंगूठी दो भाई साहब। यहाँ बाकी तो सारी ख़वातीन हैं, आप ही तो हज़रात नज़र आ रहे हैं, ज़रा माइक तो पकड़े। बेगम रूठती तो कैसे मनाते हैं? बेगम कभी रूठी नहीं है, माइक ऑफ है। नहीं लो माइक खुला है भाई, क्या ऑडियो वाले हैं आपको सब पता जी, जी बताइए। बेगम कभी रूठी नहीं है, बेगम कभी रूठी नहीं आज तक, आज तक। अल्लाह मियाँ की गाय है क्या है ये, बेगम तो रूठने के लिए बनी है। इखलाक प्यार मोहब्बत ही तो है मियाँ बीवी में, और है ही क्या। क्या बात है, क्या बात है। कभी ऊंची आवाज में आपने बात नहीं की? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं है कभी गुस्सा ही नहीं आया किसी बात पे भी नहीं, किसी भी बात पे नहीं। तो उन्होंने आप पे ऊंची आवाज में बात की? मौके ही नहीं दिया ऐसा, तो क्यों? आइडियल कपल आ गया है, जरा बेगम से तो बात कराए। सच कह रहे हैं ऐसे ही टीवी देख करके, सारे लोग देख के जरा पॉलिश कर रहे हैं, पॉलिश। नहीं नहीं, झूठ बोलने की क्या जरूरत है। नहीं यार, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कभी भी इन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं की। ये क्या पका दिया आज? अगर लड़ाई भी होती होगी हमें लगता ही नहीं था हमारी लड़ाई हुई है। क्यों, फनी लड़ाई होती है? हाँ फनी लड़ाई होती है। मोटी शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं नहीं, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। चलो भाई आगे बढ़ा दो, तुम्हारी जिंदगी में तो एडवेंचर ही नहीं है, हम साथ साथ हैं चल रही है ये तो है जी भाई साहब। जैसे मैंने सवाल किया ना फौरन जोड़ के बैठ गए बेगम। नाराज होती है तो मैं ट्विस्टर ले आता हूँ। क्या ट्विस्टर? ट्विस्टर ले आते जी। अच्छा वैसे हर बेगम अलग अलग चीजों से मानती है, तो ये केएफसी के ट्विस्टर से मानती है, है? होए होए होए। अच्छा और ये आप नाराज होते हैं तो ये फिर कैसे मनाती हैं आपको? ये जिंगर ले आती होंगी। खाने से ताल्लुक जुड़ा लगता नहीं है, आप लोग दोनों दुबले दुबले लगता नहीं, इतना खाते पीते होंगे। बेगम को दीजिएगा सर। बाजी जाता कहाँ है ट्विस्टर है? ये चीखते चिल्लाते नहीं है आप पे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी नन्नी सी तो है आप, शक्ल से इतने गुस्से वाले लग रहे हैं, और आप लग रही है मासूम सी। डांटेंगे घर जाके। अच्छा हुकुम जताना होता है आप पे तो क्या करते हैं? हुकुम जमाना होता है जरा? हुकुम नहीं जमाते, हुकुम नहीं जमाते, रिक्वेस्ट करते हैं जी। प्लीज बेगम पानी ले आओ जी, मौजे तो ले दो, मेरे जूते निकाल दो, बिस्तर के नीचे रखे। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ ऐसे जी। अरे वाह, आइए तीसरे कपल से मिलते हैं, उसके बाद फिर मैं अपनी राय दूंगी कि आज कैसे कैसे लोग आए हमारे शो पे जी। भाई साहब सलाम अलैकुम। मेरी शादी को एक महीना हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे फैमिली। माइक वापस दे दें आप। आप एलिजिबल नहीं है शो में आने के। एक महीना, एक महीना तो गोल्डन पीरियड है, कम से कम 6 महीने गोल्डन पीरियड चलेगा, खुश रहें खुश रहें। अभी से चिल्लाना तो नहीं शुरू कर दिया, तो शर्मा रही हैं वो। तो आज मेरे प्रोग्राम में बड़े झूठे झूठे लोग आए, किसी ने कोई असलियत नहीं बताई है, सब छुपा गए, कोई कहानी क्रिएट नहीं कर सकी, कोई मैं मिर्चे नहीं लगा सकी, और कोई सनसनी नहीं फैला सकी, कोई बात नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद आइए, भरपूर कोशिश करती हूँ सनसनी फैलाने की, शायद आपको सुबह सुबह मजा आ जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अगर आप भी चाहते हैं जीतो पाकिस्तान से कोई ना कोई एक गाड़ी आपके नाम हो जाए, तो बहुत आसान है, आपने सिर्फ $1 जमा कराना है, और $1 जमा कराते ही आप कुरान दाजी में शामिल हो सकते हैं। ज़्यादा जीतने के मौाक़े चाहिए तो $1 से ज़्यादा जमा कराइए और आप शामिल हो जाइए कुरान दाजी में। आप जमा करा सकते हैं अपने डॉलर्स ARY ईस्ट सहूलत बाज़ार और बिजनेस अलाइंसेस पे जी। तो हम यहाँ कोई गाड़ी नहीं दे रहे इस शो में, बल्कि हम दाद दे रहे हैं बी को भी और मियाँ को भी। आइए हम आज के शो में जो मियाज और बीवियाज मौजूद हैं
उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, मिस्टर एंड मिसेज उमेर एंड सदफ, मिस्टर एंड मिसेज फैसल एंड मारिया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। रमजान के महीने में आप लोग लग कितनी अच्छी रही हैं, है ना? चेंज लग रहा है कुछ मुझे। रौनक आ गई हमारे चेहरे पे, स्पेशल रौनक। अच्छा, यहाँ बेगमात की टीम अलग है जी। और आज हम लोगों ने आपको अलग अलग कर दिया। वैसे आप लोग साथ होते हैं, खेल रहे होते हैं। हमें भी अभी सुकून पहुंचा है, मतलब शोर हजरात कुछ सूट नहीं कर रहे हैं। लड़वाने का पूरा प्लान है, इसका मतलब है आज के शो पे नौकर होने चाहिए थे तो अच्छा भी लगता। देखो जरा क्या होना चाहिए। नहीं, तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रही। क्या होना चाहिए था, तुमसे मैं बात नहीं कर रही। अच्छा, वैसे तो शोहर और बीवी की डेफिनेशन हर कोई जानता है, लेकिन आज हम एक डेफिनेशन पूछेंगे रमजान में शोहर और बीवी की डेफिनेशन। आइए शोहर हजरात आपसे शुरू करते हैं, रमजान में बीवियां कैसी होती हैं? बहुत अच्छी होती हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो घर में औरतें होती हैं, बीवियां नहीं, सिर्फ माएँ जो होती हैं, बहनें जो होती हैं, वो जिस तरीके से काम करती हैं, जिस तरीके से हमारे लिए सहरियाँ और अफ्तारियाँ बनाती हैं, जिस तरीके से पकौड़े के पहाड़ बनाती हैं, जिस तरीके से जिस तरीके से इतने बड़े पकौड़े में से शरबत निकाल के देती हैं, उनको सलूट है कि वो इतना काम हमारे लिए करती हैं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही कहा उमेर ने कि वाकई ख़वातीन के ऊपर डबल ट्रिपल काम हो जाता है रमज़ान के महीने में, बल्कि वो सोती नहीं है पूरा दिन तो काम होता है, रात में उनको सहरी भी बनानी होती है, एक आँख खोल के सोती हैं क्योंकि दो तीन घंटे के बाद फिर उठ जाना होता है उनको। और फिर तस्वीर देखी थी ना, एक औरत ने मास्क पहना है मियां के मोबाइल पे, और फजर पड़ के फारिग होते तो बच्चों के उठने का टाइम हो जाता है, तो फिर वो सोने नहीं देते। नहीं नहीं, और कुछ कुछ औरतें तीलियां भी लगा के सोती हैं। तो ये है, मैं इस बात में बिल्कुल एग्री करते हैं, वाकई बहुत काम होता है हमारे लिए अफ्तारी। जैसे मुझे अफ्तारी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अफ्तारी नहीं हो कुछ भी खाना खा लेते, ऐसा नहीं, मुझे अफ्तारी चाहिए, मुझे शरबत भी चाहिए, मुझे अफ्तारी भी चाहिए, प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए, और पांच तरह के पकोड़े भी होने चाहिए। पांच तरह के पकोड़े? हाँ। के मतलब बैगन वाले पकोड़े, आलू वाले पकोड़े, प्याज वाले पकोड़े, आलू वाले पकोड़े, और वो अक्सर डिफरेंट ये मिर्चों वाले सारे ये पकाती, ये सब बनाती। हाँ, पकोड़े। हाँ भाई, ये आपको नहीं लगी पकोड़े वाली? चुन के आपको मार्च डाल के दही बड़े भी चाहिए। मेहनत का काम करवाता है तो नहीं तो मेरे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह भाभी भी हैं, सब मिलके कर रही होती हैं, अम्मी भी हैं, सब लोग हैं मिलके, तो काम डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी इनके फ्राई का काम तो इनके जिम्मे, पकोड़े तो इन्होंने बनाने, वो लिख कर आ गया कि इन्होंने बनाए, अगर मर भी रही हूँ तो पहले पकौड़े तल लो। मैं समझती हूँ वैसे तुम्हें पका पका के उसे फ्राई करना आ गया। अच्छा, आप हस्बैंड्स की डेफिनेशन रोजे के बेचारे ड्यूरिंग रोजा मासूम शरीफ ऐसे बताएं, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ा मिजाज थोड़ा डिफरेंट होता है, हम लोग काम में बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुशगवार मूड में होती हूँ, रमजान को लादवा नहीं होता, मैं बहुत नहीं करूँ। मुझे लगता है कि फैसल से अगर बात करो थोड़े हार्श हो जाते हैं रमजान में, रोजा लग रहा होता है इसलिए तो पांच किस्म के पकोड़े खाता है वो। नहीं, ये है, इसमें तो मैं मान भी तो रहा हूँ ना, मेरा मिजाज थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन ये होता है कि इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बात हो तो अफ्तार के बाद हो। तो तुम दूर दूर रहती हो? नहीं, दूर नहीं रहती, बस ये होता है कि फैसल सलाम दुआ क्योंकि मेरा चाय तो नमाज पढ़ ली, चाय तो नहीं पीनी ना, नहीं चाय तो पीनी नहीं होगी, रहने नहीं ना, तो सास के पास, नंदू के पास, एग्जैक्टली रमजान में। लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल होती है कि हर दूसरे दिन, अब वो जो पहले एक महीने के सौदे की एक लिस्ट होती थी, वो महीने के आखिर में होता था कि वो महीने के आखिर में हमने सौदा लेने जाना है या ग्रोसरी करें, हर तीसरे दिन एक लंबा सा पर्चा हमें दे दिया जाता है कि ये सामान खत्म हो गया, जरा जिंदगी अजाब आ जाती है सबसे ऊपर। उसके लिए मैं सुबह से ही बात करना शुरू करती हूं, क्या 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 उस लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम होता है यार? मैंने कहा मैं कसम से एक किलो तुखमलंगा मंगाए, तीन दिन बाद गई, मैंने कहा सुनो फांक गई क्या तुखमलंगा एक किलो? तुखमलंगा भी डालना है, चाहिए तो खैर हम ही लोगों को था, हम ही ठूंस रहे होते हैं, ये लोग कितना खा लेती हैं, लेकिन फिर भी हमें ऑब्जेक्शन होते हैं कि अब बेसन खत्म हो गया, अब ये अब वो हर तीसरे के बीच में एक पैंपर तो लिखा नहीं होता, वो तो भाई वो लिख दिया, वो यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ
कंटिन्यू, अभी बीवी की बारी है आपके तारीफें बयान करने की। जी रमजान में शौहर, यार रमजान में शोहर बस ये होता है कि मिजाज का थोड़ा सा होता है, अदरवाइज ये हर चीज के लिए बड़ा वो करते हैं कि कुछ अच्छा बनाए तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा बनाया है या ये था या उसमें ये थोड़ा ज्यादा था, ऐसा कर लेना नेचर ऐसा कर लेना नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे बनाना है, लेकिन ये होता है कि हमारे घर में सब बहुत शौक से ये सब चीजें खाते हैं, पकौड़े वकोड़े, तो मैं उतने ही शौक से बनाती हूँ तो मजा भी आता है खाने में। जी रमजान से पहले एक दिन पहले तक ऐसा लगता है कि वी आर सेलिब्रिटीज, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि किसी आदमी ने हमें ना वो नहीं होते जो ये कंपनीज होती हैं जहाँ से हम मेड हायर करते हैं वो उठा ली है और फुल टाइम 24/7 काम में है, विदाउट पे विदाउट ऑफ कुछ भी नहीं, बर्तन भी धोने तो जी पकौड़े भी बनाने, ये हेल्प नहीं करते, हेल्प वेल कुछ नहीं, और डबल हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, बच्चे अलग खाते हैं, अम्मी अब्बू अलग खाते हैं, मैं अलग खाती हूँ, मैं अलग खाते हैं, सबके अलग अलग खाने, तो इतने मेन्यू कौन पूरा करेगा, इसका सवाब अलग से मिलेगा। वी आर 24/7 मेड इन रमजान, आज यहाँ आके कुछ सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी खेलने आ गए। तुम क्या बनाती हो रमजान में? उमेर कीटो डाइट करें, उमेर अपना खाते हैं, मैं लो कार्ब डाइट कर रही हूँ, मैं अपना बनाती हूँ, बच्चों के लिए पकौड़े समोसे सब बनता है। अच्छा अबू लोग जो हैं, अबू मम्मी वो ऑयल फ्री खाना खाते हैं तो उनके लिए वो वैसा बनाना, अल्लाह एक मुश्किल है, मतलब 4 बजे से जो किचन में इंसान घुसता है ना, मेरे ख्याल से सहरी के बाद ही बाहर आता है। मुझे लगता है कि सहरी के लिए बनाओ, सुबह उठो तो लगता है कि इफ्तारी के लिए करना है, इफ्तारी के बाद सो तो कहते हैं सहरी के लिए करना है, इसलिए मेरी सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे सिर्फ नींद की होती है। हाँ यार नींद नहीं होती यार, वो फैसला ले लेता ना तुम्हारी जगह पूरी कर लो, और ये लोग डबल सोते हैं, जितना किचन में होती है उसके एक तो हेल्प आउट करवा रहा हूँ और दूसरा मैं साथ बैठा कंटिन्यू बैठा हुआ हूँ, एक बातें करने वाला चाहिए इंसान, तीलियां लगा के बैठा होता तो बातें तो करेगा। पूछ लीजिए अगर इसमें इतना सा भी झूठ हो कि जब हम सहरी के बाद सो जाते हैं उसके बाद बच्चों ने ही मुझे उठाना, वॉशरूम जाना है तो मैंने पैंटी चेंज कराना है तो मैंने पैंपर चेंज कराना है तो मैंने फीटर बना के देना है तो मैंने कपड़े नहलाना है तो मैं सारे काम मैंने करना है, मारिया ने नहीं उठना है, मारिया ने टच से मच नहीं होना है यार, क्योंकि मुझे अब इसने सिखा दिया, अब वो उसको पॉटी बोलना पूरा नहीं, अब्बा पो भाई, सुबह सुबह कान आग खुलती है अब्बा पो के नाम से। अच्छा हमने और छोटे बच्चे पाले हुए, वो हमारे बर्ड्स हैं, वो हमारे रूम में ही होते हैं क्योंकि उन्हें एसी की आदत है, तो अब वो सुबह सुबह फजर के बाद जैसी हल्की हल्की रोशनी आना शुरू होती है ना पर्दों में से, उन्होंने बोलना शुरू कर देना होता है। वो हमारा ग्रे पैरट है तो वो उसका उसने आवाजें लगानी शुरू कर देना, सीटियां बजानी शुरू कर देता है। अच्छा उन्हें पानी चाहिए होता है, एक स्टैंड पे दो तरफ बैठे हुए तो दोनों को मैंने खाना रखा होता है, पानी मैं खुद पिला देता हूँ, मैं बच्चे पिलाते हैं, तब उन्हें सुबह सुबह उठते ही पानी चाहिए होता है, तो नींद में कोई और नहीं उठता है, कोई नहीं उठेगा उसकी आवाज से, मैं उठ के जाऊंगा पानी पिलाऊंगा उनको, सफाई करूंगा सारी चीजें, शो पे आने से पहले भी मारिया तैयार हो रही थी, मैं बच्चों को फीडर बना बना के पिला रहा था और उनको सब कर रहा था, चलो तुम अब्बा गर्म बना दिया बातें नहीं सुन, अच्छा उनको थोड़ी देर फ्लेट में ठंडा करके ला के फिर ठंडा हो ये करके पिला। मॉर्निंग का टाइम तो फैसले का होता है क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए नींद का इतना शॉर्ट पीरियड होता है, कितने टाइप्स के होते हैं अलग अलग, आप लोग बताइएगा आप इनमें से कौन से, आपका शुमार किन में होता है? इन्फिनिटी टाइप्स। ओके पहला टाइप कामचोर शौहर, ये वो शौहर होता है जिसको घर के किसी काम से कोई दिलचस्पी नहीं होती, डबल रोटी ले आओ अच्छा भाई ले आओ, और वो आती नहीं डबल रोटी, एक हो गया कामचोर शौहर। दूसरा हो गया गुस्से वाला शौहर,
ये वो शोर होते हैं जो पाकिस्तान के 90% घरों में पाए जाते हैं। ठीक है, वो समझ गए होंगे, फिर बताने की जरूरत नहीं है आपको कि कैसा होता है उसके वाला। कंजूस शोर, ये वो शोर होते हैं ये बड़े मजबूत जिनके पास कभी भी पैसे नहीं होते, और ये टाइप भी पाकिस्तान में काफी तादाद में पाई जाती है। ये 95% हो गया, ये तो 95% सही कह रहे हो। अच्छा, फिर होता है प्यार करने वाला शोर। हाँ, ये वो टाइप है जो शादी से पहले मिलती है मगर शादी किसमें पर तारीफ वाला ही शोहर है, बुरा सर्वे है तुम्हारा, किस पर बुरे शोहर की लिस्ट पहुंचा के नाम पे तो अच्छा आ ही सकता। करने वाला होने वाला शोहर ये आप कह सकते हैं, यानी मंगेतर वो शादी से पहले जोरू का गुलाम शोहर, ये वो टाइप है सिर्फ जो फिल्मों में देखी जा सकती है। एक्चुअली ये पूरे किस्से कहानियों में हमें सुना है, इसका कोई वजूद हमें नजर नहीं आया। प्रैक्टिकली हमने रिसर्च की, हमने 100 लोगों से पूछा। अच्छा, हमने रिसर्च फिल्मों में भी नहीं रह गया, अब ये एनिमेटेड मूवीज में रह गया। फैसल तुम इतनी गंदी शक्ल नहीं बनाओ, हैप्पी फेस बनाओ। आज मैं यार वैसे बाहर निकलूंगी तो सारे शोर मिलके मुझे जला देंगे। ये क्या, नहीं तुम फिकर नहीं करो, हमारे बहुत एनजीओज है। अच्छा, फिर एक होता है खामोश शोर। मैं पौलिया भी बता दूं, उसने ये साइड की मांग निकाली होती, चिपका के बाल बनाया होता, चश्मा लगाया होता है, सीरियस खामोश। और ये टाइप घर में सिर्फ चुप रहती है, बाकी दोस्तों में इनकी आवाज सुनने वाली होती है। मीसने होते हैं ना, इनसे गॉसिप तो करवा लो जरा। मीसने जो होते हैं, हां मीसने होते हैं, हां छुपे रुस्तम। यस, घर में सख्त तरीन शौहर और बाहर सब चीजें कर रहे हैं। एग्जैक्टली और झूठ भी बोलते हैं, हमने आज दिन बेजाद मारा। लेकिन इसमें निदा इतनी लिस्ट आपने गिनवाई, इसमें हमारी टाइप का ही नहीं है। और मैं अपने मियां को बहुत ढूंढती रही लेकिन ना मिले। मैं यही सोचा आपके लिए सारी टाइप आपने, उसमें वो टाइप है ही नहीं। नहीं तो मैंने कहा ना इनफिनिटी टाइप से लोगों को समझ जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखवाया बेगमान और यहाँ पे लिखवाया शार हजरत। जब आपने किसी को ज्यादा इज्जत देनी होती है तो आपसे मेरे को मैं बोल दूं लगारी साहब कैसे हैं शोहर हजरत, ये एक तंज में भीगे भीगे जूते लगा रही ना बैठ के जो लगारी साहब आप कैसे हैं। अच्छा, साहब आप उठ जाइए, फैसल के साथ आपको ईद की शॉपिंग पे जाना है। क्या टाइम लिमिटेशन है, कितनी जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी, कितना टाइम देते हैं? यार बहुत जल्दी करते हैं, मैं तो इनके पीछे भाग रही होती हूँ, इतनी तेजी चलते हैं। कितनी जल्दी शॉपिंग करनी पड़ती है आपको? मैं एक एक चीज देख देख करती हूँ, इनको एक शॉप पे जाना है, वहीं से सब कुछ लेना और फटाफट वापस आना है। मतलब जब तुम फैसले के साथ शॉपिंग पे जाती हो तो तुम्हारे एक घंटा उससे कह दिया होता है, बस एक घंटे बाद में गाड़ी में हो, एक से डेढ़ घंटा बस। हाँ, बाकी तुम जाके अकेली करती हो शॉप, एक से डेढ़ घंटा। एग्जैक्टली सेम सवाल आपसे सर। नहीं नहीं नहीं, उमेर का ऐसा नहीं है, उमेर का है कि चिल मारो, जितना तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम लोग घूमते रहेंगे। हाँ, क्योंकि उमेर का जब टाइम आता है तो फिर मैं भी ये करती हूँ ना कि रिलैक्स अपना शॉपिंग करें, तो उमेर कभी टेंशन नहीं देते शॉपिंग। हाँ, तो कोई टेंशन नहीं देता कि कल मैंने कहा सदर मेरे साथ रुक जाओ, दो मीटिंग्स हैं मेरी, हम वहीं उस जगह पे थे जमजमा पे थे, मैंने कहा रुक जाओ यार साथ ही चलेंगे घर, आप उतर जाए आ जाइएगा, मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ। कार्ड डलेगा ना उसमें, उसके पैसे कटेंगे। अच्छा मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक बेनिफिट ये है कि मेरे सारी शॉपिंग फैसल करते हैं, अकेले जाके भी वो सारी शॉपिंग, यानी कि हील्स इयररिंग्स कपड़े सब कुछ वन टू वन सब कुछ कर लेते हैं। अपनी पसंद पहनाता है, उसकी पसंद नहीं पहनता। नहीं तो मतलब नहीं नहीं, डिसीजन पावर तो इसी काम है, मतलब ये दुकान के बोल के बोल बहुत खराब हो जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि मतलब कि मुझे क्या लेना चाहिए। नहीं नहीं निदा, इन मारिया को तो ये हाल हो गया कि इसने नफ्सियाती कर दिया, इसको बैग में हर वक्त हील डली हुई होती है। नहीं हील इसलिए डली होती है, साथ में छोटा हो रहा होता तो ये जल्दी से हील पहन लेती है।
क्योंकि मुझे पसंद भी बहुत है ऐसा कुछ नहीं है जब मैं क्योंकि मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है तो मैं अपनी करता हूँ तो इन लोगों की भी बच्चों की सबकी शॉपिंग मारी की तो बहुत शॉपिंग हर दफा यही कहूंगा कि अब कपड़े बनाएंगे लेकिन मेरे कहना फजूल होता है मैं खुद ही 15 जोड़े बना चुका हूँ चीजें ये भी वो मेरे पास बहुत शॉर्ट चीजें रह जाती है की मैं अपनी पसंद से कुछ ले सकूँ बाकी सब उसमें भी देखो उसमें भी कहती है 1.5 घंटा कम पड़ता अच्छा सुनो कुछ ना कुछ खरीदती जरूर कोई ड्रेस ले लिया कभी कुछ कल भी लिया परसों भी लिया रोजाना कुछ ना कुछ सुनो तुम लोगों ने पैसों का दरख्त लगाया रोज एक एक चीज ले रहे बाजार जा रहे थे फिर हम कुछ खा पी भी लेते हैं बाहर और फिर यही होता है रमजान का महीना है साल में एक दफा चीजें लेते हैं जो जरूरत है उसकी हाँ। चीजें हैं वो ऐसे ऐसे टुक टुक करके लेते रहते हैं तो बाहर जाना होता है फ्रेश हो जाते हैं बाहर जाते हैं मॉल में तो उसके लिए हमें वो मार्केट एक है नहीं नहीं उसके लिए तो मुझे ग्रोसरी के लिए जाना होता है नाम नहीं ले सकते यहाँ पे उस मार्केट में जाते हैं वहाँ बड़ा अच्छा चलो आप लोगों से कुछ सवाल करती हूँ और आप लोगों ने जो है ना बस अपनी उंगली का इशारा करना अगर ये नहीं नहीं हमारे एरोस तैयार है लाए मुझे दे में ऐसे कैसे आप कमी करेंगे मेरे शो पे मतलब हमारा भी शो है ये मुझे क्या पता तेरी जल्दी तैयार हो जाएंगे ओके ये तो यहाँ रखने का दिल कर रहा है ज्यादा जो है ना गुस्सा तो गोली भी मार देना नजरों के तीर चला देना ओके पहला सवाल किसको सोते में होश ही नहीं रहता नहीं हम दोनों होश आवाज में होते हैं एक बेबी भी हमारा कुछ चूचा करता है हम दोनों की बोलते हैं मिकाइल क्या हुआ मिकाइल क्या हुआ दोनों टेबल होता है इनके दोनों करते हैं लेकिन वो कहती देख ले नजर फैसले हाँ ये एक होती हूँ ना मारिए ना एक आंख खोल के देखती रहती हूँ देख लेती हूँ कि चलो फैसला उठ गया तो मैं चाहती फ्लैट में एक दफा हमारे अपार्टमेंट में किसी अपार्टमेंट में आग लगी हमें कह रहे आग लगी मैं यहाँ लगने दें यार क्या मसला नींद पूरी हो रही है आग लगी थी लिटरली लोग भाग रहे थे मैंने लिटरली से नींद को उठाया क्यों करके उठा के मैं नीचे लगते थे पागल उठो आगे अच्छा कौन हर वक्त पैसों के बारे में सोचता रहता है ज्यादा पैसे आ गए ये पैसे खर्च हो गए बिल इतना आ गया पैसों के बारे में सोचता है ये पैसे जमा होंगे तो ये खरीदूंगी दोनों मियां ही सोच रहे हैं तो मियां ही सोचेंगे बीवियों को क्या कानून होता है सिर्फ अपनी एक लिस्ट बता देनी है अब ऐसी भी कोई बात नहीं है खर्चा तो हमने करना है घर तो हमने चलाना है ऐसी तो कोई बात नहीं सोचेंगे कि डिमांड करते हैं तुम्हारा तो ओहो बस कर दो जैसे भी डिमांड के मुझे इतना कुछ मिल जाता है तो मुझे डिमांड करने की जरूरत वहां पड़ती है जहां आपकी डिमांड पूरी ना हो रही जहां आपकी ऑलरेडी सारी डिमांड पूरी हो रही है तो आपकी डिमांड पूरी करने बेचारे डिमांड करने के क्या काम बस कर रहे हैं आपने मेरे साथ घर जाना है डरा हो तुम इस वक्त तुम शो पर आई भी हो यहाँ तुम्हारी धमकियां नहीं चल रही बराबर की जरूरत नहीं है तुम इस तरह डरोगे तुम कब तक इस तरह डर डर के जियोगे मेरे यहाँ बराबर की हकूक है मुझे कहता है सब सहरी कर रहे सारे मौलवी हजरात भी बैठे हैं सारे लोग बैठे उनके दरमियान कहता है इस वक्त उमेर की ये सिचुएशन है कि अगर आज से 8-10 साल पहले आप उमेर से कहते हैं दुआ हुआ मांगो तो शायद उमेर की दुआ कबूल नहीं होती लेकिन शादी के बाद से माशाल्लाह अब उमेर इस रूहानी लेवल पे है कि आप जो दुआ मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी आप कहे उमेर उठा के हाथ में दुआ करो पूरी हो जाएगी ओके जी नेक्स्ट सवाल किसको हमेशा भूख ही लगती रहती है हर वक्त रमजान ना हो आधी रात को यार क्या हो सैंडविचेस बना दो मुझे ही हेलो मुझे मैं बताता हूं अभी एक्सप्लेन करता हूं ये अभी 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 रमजान हो वैसे नहीं मैं ये मार दूंगी सच्ची में मलाई का पूरा पैकेट
जो मिल्क पैक का या जिसका भी आता है वो पूरा पैकेट उसके अंदर आधा न्यूट्रिला का जार। बच्चे कह रहे हैं बाबा वो हमारे लिए आप लाए थे दो जार कहाँ गए। मैंने कहा बेटा मम्मा से पूछो कहाँ गए, चेक करो जाके कहाँ गई सारे मम्मा कहाँ गए सारे। हाँ मतलब बेवक भूख मार जाए को लगती है अक्सर रात को। मैं मना करता हूँ कि बेवक खाना खाना जो होता है वो आपका मोटापा बढ़ाता है, बेवक नहीं खाने चाहिए। माजे को बेवक लग जाती है दो बजे रात को, जब सुबह सो के उठेगी उसके साइड पे आपको एक यहाँ प्याला नजर आएगा एक वहां नजर। अक्सर अगर लेट हो जाए तो मैं रात का खाना छोड़ देता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि लेट खाए। हाँ तो मैं तो केयरफुल रहता हूँ लेकिन मारिया नहीं है उनको भूख लगे। हाँ वो खा भी लेती है आराम से। हाँ। मैं अच्छा जी आगे जो बाकी सवाल है मैं ब्रेक के बाद करूंगी और ब्रेक के बाद इसी तरह शो जारी और सारी रहेगा। जिस तरह ये बिल्कुल शोक उठाया हुआ है ना इन्होंने एक दूसरे के ऊपर एरो इशारे लगा लगा के एरो के घर के लिए देखते हैं। एक मिनट ब्रेक लेने से पहले एक सेकंड ये जरा मैं यहां रख के देखने के मिलते हैं ब्रेक के बाद तुम्हेर के साथ ही मिलेंगे लेकिन शायद देखते हैं क्या हालत होती है। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास आए हुए हैं शौहर हजरात और बेगमात और साहिबा। नहीं नहीं बेगम साहिबा नहीं कह रही मैं तेरे को, तुम लोगों की साइड हूँ। अच्छा इसलिए मैं उनको ज्यादा इज्जत दे रही हूँ तुम लोगों की साइड। अच्छा फिर ठीक है फिर ठीक है। अच्छा इन दोनों टीम से सवाल और जवाब का सिलसिला हो रहा है और अगला सवाल मैं ये करने वाली हूँ कि ज्यादा कामचोर कौन है, कामचोर सुस्त कौन, उठे पानी पिला दो बिस्तर पे पानी ला के दे दो, सुस्त कौन है? इत्तफाक है कि हम दोनों में तो दोनों नहीं, दोनों में कोई भी नहीं, दोनों बहुत एक्टिव है, एक्टिव है बहुत ज्यादा, हम लोग हाइपर एक्टिव है। ये इन पे करिए तो डिसाइड किया होता आज क्या काम करना है। ये करिए इधर वाले शोहर हजरात हैं। जिस दिन हमारा ऑफ होता है उस दिन हमने सोचा हुआ होता है आज ये काम करना है, आज पंखे साफ करने हैं, आज ये सब कुछ सब खुद करना है। अच्छा बल्ब खराब हो जाए तो कौन भागता है? जी सब सब अभी कोई मसला नहीं है। देखो दीवार का जो साइज है ना उधर के ऊपर वाले काम उमेर के नीचे वाले काम मेरे। गुड 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 डेफिनेशन। अच्छा कौन गुस्से का ज्यादा तेज है? एरो का है आपका? ये क्या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होती है? ये मैन फॉल्ट है, मैन इसके पीछे क्या कहते हैं? एक मिनट गुस्से का ज्यादा तेज है, गुस्सा आते ही झाग की तरह बैठ जाता है बेचारा, उसके बाद कौन तेज होता है ये पूछे? इसके पीछे यहाँ सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो आपने जानने की कोशिश नहीं की, क्या मोहरिकात होते हैं जिसकी वजह से आदमी जो होता है वो ज्यादा गुस्से में। आप लोग सुधरते क्यों नहीं हो? सुधरने वाली क्या बात है, हमारे ऊपर टेंशन ज्यादा होती है, हमारे ऊपर काम का लोड ज्यादा होता है, हमने घर भी देखना है, हमने बाहर भी देखना है, हमने कमाने भी निकलना है, हमारा मिजाज थोड़ा सा बद मिजाज भी हो सकता है और तो हमने सारा दिन बैठ के टीवी के आगे टीवी देखना है, ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल पे लग जाना है तो हमारे ऊपर काम का लोड बहुत ज्यादा होता है, बड़ा थोड़ा बदमिजाज होता है और ये उसका हक बनता है। औरतें जो है उनको टाइम नहीं मिलता नींद पूरी करने का भी, सोचो इतना काम करते हैं तो मान रहे हैं उनको भी तो बोलने दे, तो हम मान रहे हैं इस बात को, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं माना हो, लेकिन इस बात की आप ये कह रही है ना कि गुस्सा क्यों है, गुस्से की कुछ वजूहात होती हैं जिस वजह से बिल्कुल सही कह रही है, जिस पे एहसान करो ना उसके शर से डरो। अगर आप हमें कह रहे हैं कि हम लोग इतना लेजी होते हैं यूं करते हैं तो मैंने कहा हमारे मोबाइल को पॉइंट आउट नहीं करते, कम से कम रिलैक्स होने के लिए हमें वही तो टाइम मिलता है कि इतना सा मोबाइल यूज कर सकता। मीन योर मीन और ये सिर्फ तुम्हारी बात कर रही हूं मैं, उमेर की बात नहीं कर रही। नहीं भाई मैं तो अच्छा गुस्से की लिमिट बताइए दोनों अपने अपने घर में तो अपने अपने हस्बैंड्स के जो शौहर हजरात हैं उनकी लिमिट बताएं। उमेर को वेज से तो गुस्सा नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो ऐसा होता है कि वी ऑल हैव टू कीप क्वाइट। अगर हमने एक लफ्ज भी बोला ना तो मतलब कोई भी चीज टूट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है और सब इशारे कर रहे होते हैं चुप बस अब नहीं बोलना कुछ, तो नो मीन्स नो।
ये हमारे गुस्से में होता है कि फैसल हार्श होते हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं होती, तो इनके हार्श होने पे थोड़ी देर बाद इसलिए ठंडे हो जाते हैं कि लड़ने वाला सामने कोई होता ही नहीं। सुनो सर, निंदा एक बजे, अब मैं गुस्से में हूँ और ये पानी का गिलास लिए खड़ी नहीं हो, आगे से पानी पी ले पानी, क्या गुस्सा करे बंदा, अगला पानी पिला रहा है, क्योंकि मुझे 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 गुस्सा नहीं आता क्योंकि ये इतना ज्यादा लाउड हो जाते हैं तो मैं सामने से हट जाती हूँ या दो मिनट बाद पानी ले आती हूँ तो ये नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये तो नहीं कहती कि पानी में पानी पी लिया, आप जहर मिलाया हुआ था पानी नहीं, वो कहती पानी पीने के लिए नहीं कहती डूब मरे, डूब मरे ये ले डूब मरे। अच्छा, कोई अपनी अच्छी चीजें किसी से शेयर नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल तुम अपने लिए चॉकलेट खरीद के लाई हो या कुछ ऐसी चीज लाई हो खरीद के, या नट्स स्पेशली मैंने देखा रात को जो मंचिंग करते हैं उसमें नट्स होते हैं, तो मैं तो नहीं शेयर करती, मेरा दिल नहीं जाता वो डब्बा किसी से शेयर, छुपा छुपा के लिए आपके अंदर खा रही होती है। अच्छा, मेरे साथ मैं बताता हूँ, असल में होता ये, मैं नट्स लेकर आता हूँ, सदस्य कहता हूँ सदस्य ये तुम्हारे नट्स तुमने एक दिन में खाने, खा लो, मैं ये अपने पूरा 15 दिन का पैकेज लेकर आया हूँ तो इसको मत हाथ लगाना, ये मैं तुम्हारे लिए उतना ही लाया हूँ जितना मेरा है। तो कहती अच्छा ठीक है, उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद मुझे वो नट्स नजर नहीं आते, उसके बाद मेरे वाले भी नजर नहीं आते। तो ये इशू है सदस्य के साथ, आप शेयर करें ना करें, आप अपने लिए अलग चीज लाएं, सदस्य के लिए अलग चीज लाएं, भले कुछ कर लें आप, आपकी चीज यूज होनी होनी है। देखिए मैं आपका शेयर करूंगी लेकिन आप मेरा शेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, हमें मौका नहीं मिलता शेयर करने। और यहाँ क्या सीन है? नहीं, यहाँ पे तो है शेयरिंग तो होती है हमारी हर चीज में, चाहे वो फ्रूट्स भी कटिंग होंगे, चाहे नट्स होंगे, चाहे चॉकलेट्स वगैरह होंगे, इस तरह की सारी चीजें लेती ही है ये, तो फिर वो शेयर कर लेते हैं। अक्सर तो मैं मंचिंग के लिए कुछ चुटपुट लाई होती है, फैसल कहते क्यों लेके आ गई, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तुम क्यों लेके आई, मैं कहता मत लाया करो, उसे कंट्रोल नहीं, फिर मैं खाता हूं, मैं ओवर ईट हो जाता है, फिर वो तो मैं कहता हूं नहीं लाया, क्योंकि आदत है कि रात को जब ये टीवी देखते हैं तो जरूर मंचिंग कर रहे होते हैं, कुछ छोटे-छोटे सा, चाहे पीनट्स हो चाहे चिप्स हो, कुछ ना कुछ छोटे-छोटे ले, वजन तो बढ़ता है ना फिर उनसे। सर ऐसा होता है कि खाना खाते वक्त जो है कपड़े गंदे करने की आदत होती है किसी ना किसी को, तो आप लोगों में से किसको है? किसी को, मुझे तो बिल्कुल नहीं, मतलब कि कुछ गिरता गिरता जरूर है, निशान पता है, होता है अक्सर मर्दों में, लेकिन मर्दों में खास बात नहीं, यहाँ हम बहुत हम लोग बड़े कॉन्शियस होके खाते हैं। मैं मतलब हम बच्चों को भी अब यही कहते हैं बेटा गिरना नहीं चाहिए, गिरे नहीं, टेबल खराब नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा मसला है, इशू है कि खाना प्लेट में से बाहर नहीं गिरना चाहिए, इंसानों की तरह खाओ, खाना देख के पागल नहीं हो जाओ, हाँ, पागल नहीं हो जाओ, खाना देख के खाना है। अच्छा, किसका बस चलता है कि खाना कभी खत्म ही ना हो, शौकीन खाते रहो नहीं मैं sometimes हूँ, मैं तो बस मुझे तो बस सिर्फ sometimes 5 मिनट से ज्यादा नहीं, लेकिन वो खानों पे नहीं है, 5 मिनट में उठना है बस, खाना जल्दी से बस खा के उठना है, मैं घंटों नहीं बैठ सकता खाने की टेबल पे, कि अक्सर लोगों को देखा है टेबल पे बैठ के टीवी भी देख, फिर थोड़ी देर टीवी देख लिया, फिर खा लिया, ऐसा कुछ, बस जल्दी से खाना है, फौरन लगता है। खानों पे नहीं है, डेजर्ट पे होता है मुझे, मीठे की क्रेमिंग, तभी माशाल्लाह न्यूट्रेला भी ट्वीट, हां जी तभी, मेरा तो बस खाना ये है कि पेट भरने के लिए खाना है, मेरा कोई टेस्ट ऐसा नहीं है कि ये चाहिए वो, जो भी पका हो खाना, मैं तो एक हफ्ते पुराना खाना भी हो बस आप मुझे दे दें, मेरे पेट में तो डाइट की वजह से भूल गया खाना क्या होता है। नहीं, मैं खाना तो खाता हूँ लेकिन ये कि कोई मेरी पसंद ना पसंद नहीं। अच्छा, कौन ठेले की गंदी चीजें? अम्मी के पास, सुनो, अम्मी के पास हमारी, हम पहले रमजान में जाते हैं, फिर जैसे मौका मिलता रहता है, फर्स्ट को तो जाते हैं, अभी मैं 15th को गया दोबारा, फर्स्ट को गए थे, अम्मी के पास जो पका होता है हम खाते हैं, फ्रूट चाट खास बनती है क्योंकि मैं बहुत खाता हूँ फ्रूट्स, तो अभी 15 पे गया तो मैंने कहा अम्मी कसम ले लें ये फ्रूट चाट मैंने बीच में खाई हो। अम्मी कहती है अरे मेरा बच्चा क्यों, मैंने कहा अम्मी डाइटिंग में हो, नहीं 8 तो तुमने खा ली, मैंने कहा मैं 8 तो खाऊंगा, फिकर नहीं कर रहा। अच्छा, ठेले की गंदी गंदी चीजें कौन खाने का शौकीन है? गोला गंडा, मैं, पानी पूरी, छोले वगैरह वगैरह, मैं सब है, सब नहीं, मैं नहीं, आप नहीं, मैं हूँ ये तीनों बहुत गंदे लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ठेलों की चीजें, यार मुझे तो गोलगप्पे खाना बहुत इतना मजा आता है, मुझे काठियावाड़ी छोले, और बताएं तो सही कहां कहां ठेलों की गंदी चीजें मिलती हैं? मैं भोरंजी पे बहुत जाता हूं ठेलों के खाने, अच्छा हमारे घर के पास भी एक एरिया है जहाँ बहुत सारे ठेले खड़े होते हैं जो रात 4 बजे तक खड़े रहते हैं, लोग जो है वहाँ जाते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने फैसल से कहा, फैसल मेरे क्रेविंग हो रही है कुछ कुछ खाना है, कुछ खाना, फैसल ने क्या खाना, फैसल बोल रहा मैं कुछ
ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी, ऐसे ऐसे ऑर्डर करूँ फैन में, तो फैसल ठेले वाला बन कबाब खिला दे। हाँ, वो भी मिलता है, हम वो सब कुछ खाते हैं, हम सब खाते हैं, शकरकंदी भी खाता हूँ, गोला गंडे भी खाता हूँ, सब कुछ जितनी चीजें। अच्छा, कौन तैयारी में सबसे ज्यादा देर लगाता है, मतलब तैयार होने का कहकर आप सो जाएं? ये नहीं है, एक जमाना था, अब नहीं है, अब 5 मिनट, 5 मिनट। एक जमाना था कि ना दो दो घंटे तैयारी नहीं खत्म होती थी। कितनी एक दो शादियों में तो ऐसा हुआ कि वो टाइम गुजर गया तो हम शादी में नहीं गए, तैयारी खत्म हो गई। 12 बजे लाइटें बंद होनी है, 11:30 बजे जब तैयार होंगे, मैंने कहा हेलीकॉप्टर पे तो नहीं आना, गाड़ी अगर तुम्हारा ये इशू है कि तुम्हें 2 घंटे चाहिए तो तुम शाम 5 बजे से तैयार होना शुरू हो। तुम्हें पता लग गया है कि तुमने 2-2.5 घंटे चाहिए, तुम 5 बजे से तैयार हो, शाम 5 बजे तक तैयार हो। मुझे पता चला कि अच्छा मेकअप कैसे करती है, तुमने माशाल्लाह इतनी घंटे लगाए हैं तैयारियों में, प्रैक्टिस हो गई यार। लेकिन ना मुझे ये मुझे बहुत कॉन्शियस करते थे, तुमने कितनी एकदम मासी लग रही है, ऐसे कपड़े पहन ली तुमने, मैंने कहा तुमने क्या आज इतनी, मुझे इतनी कॉन्शियस करते थे, मैं कहती अच्छा ये भी सही कर लूं, ये भी सही कर लूं, अच्छा नहीं, मैं कहता था ये निदा, मैं कहता था इतनी चोंच लाल कर ली, फेफड़े चूस के आई हो किसी के, नहीं ये बताओ इतना मुझे टेंशन दे रहे हैं, रेड लिपस्टिक लगा दो, किसके फेफड़े चूस के आई हो? नहीं ऐसा लग रहा है किसी के फेफड़े चूस के आई, इतनी बताओ इसमें देर नहीं लगेगी? मेकअप नजर नहीं आना चाहिए, पूरा मेकअप करो बट नजर नहीं आए, आदमी बड़ी हसीन हो तुम तो भाई। क्या मतलब इस बात का? मैं सदफ को किस तरीके से लेकर आया, सदफ ने कहा देर लगाती थी, सदा भी बहुत ज्यादा, आपको ही कहोगे लेकिन पहले बहुत देर लगाती थी, बीच में मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके फाइन, मैंने सदा इतने बजे जाना है, ये करना है, ये करना है, मैंने कहती हाँ ठीक है, अब मैं उतने बजे खड़ा हूँ तैयार हो गया, नहीं मुझे तो अभी टाइम लगेगा, मैं तो अभी नहा के निकली हूँ, अभी तो मेकअप करना है, मैंने वो क्या लाफ चले गए। मैंने भी ये किया था, मैंने जाना शुरू कर दिया अकेले। अच्छा वहां मैं जाता हूँ अकेले तो लोग कहते हैं सदफ क्या, सदफ क्या, मैंने घर पे मेकअप कर रही शादी के 3 महीने बाद ये वाले डोज मैंने दे दिए थे, मैं छोड़ के चला गया, मैंने कहा मैं इंतजार नहीं कर सकता, जिम जाना था हम लोग 5 बजे चले जाते थे, और उन्होंने कहा कि हमारे 5 बजे जाना, एक दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, तीसरे दिन वो नीचे भागे और नीचे हॉर्न करने, अब मैं हॉर्न किया 2-3-5 और उनका पता ही नहीं पता लगा, वो गिरती पड़ती लुढ़कती लुढ़कती नीचे आई हैं, आईपॉड तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, आईपॉड जूते ऐसे भागती भी आई मैं नीचे, मैंने कहा पहले से क्यों नहीं तैयार थी, अब नीचे उसने फैसल जा चुके थे, अम्मी ने कहा अम्मी मैं तो छोड़ के चले गए, मुझे मैं कह नहीं तो बदतमीज है छोड़ के चला, हां अम्मी उल्टा मुझे, हां ये तो है ही बदतमीज है, यूं है फलाना है नालायक है फलाना, अम्मी की तो बात शिकायत है, हां मैंने कहा दुकान ही कर ले, मैंने सुनने के दूसरा उड़ाने का। अच्छा किस बात पर आज तक डांट पिटती आप चारों को अपने बड़ों से? किस बात पर? हाँ मुझे तो अम्मी वही, मुझे बच्चों को डांट रहा होता हूँ तो डांट पड़ती है, तुम्हारे दोनों बच्चे मिला के ना 100 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूं ना तब भी तुम्हारे बराबर नहीं है, तुम इतना शरारती थे। और तुम अपने बच्चे बेचारे इतने खामोश बैठते हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने कुछ नहीं करते, कोई शरारत नहीं है, तुम उन्हें फिर भी डांट रहे हो तो आगे दिखा रहे हो, उस पर हमेशा डांट पड़ती है, मुझे गुस्से पे डांट पड़ जाती है, अम्मी से तो खैर अभी भी पड़ती है, तुम कम से कम मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता, हर चीज में मुझे बड़ी मैनेज होनी चाहिए, हर चीज जरा मिस मैनेजमेंट हो, कोई टेढ़ी मेढ़ी चीजें पड़ी हो तो मैं एकदम क्या हो ये, तो मम्मी उस पर गुस्सा हो जाती है, तुम देख तो लिया करो कोई बैठा हुआ है कुछ चुप हो जाओ, मैं नहीं देखते नहीं है कि कौन बैठा है, कोई नहीं, कोई लाउड होना है तो बस वहाँ होना है, ससुराल में भी अगर कोई चीजें मैं बोल देता हूँ ये क्या ऐसे कैसे,
तो हाँ। नहीं नहीं क्योंकि सबको इनके घर में भी मिजाज का पता है कि ये इतना क्रेजी है सफाई वफाई को लेके कि अचानक हार्ट हो जाता है, लेकिन सबको पता है कि इनको हैंडल। अच्छा मुझे ये होता है, मैंने इनको पहले दिन बताया, मैंने कहा खाना पकाओ ना पकाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन घर गंदा नहीं होना चाहिए। मेरा मूड खराब होता है, मेरा पारा यूं हाई होगा घर में, मैं घुसा हूं और घर गंदा नहीं होना चाहिए, हर चीज क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम, मुझे खाने का कोई इशू नहीं है कि मेरे आगे 20 खाने लगे हुए होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। और घर में बम फटा हुआ ऐसा नहीं, घर साफ होना बहुत जरूरी है। अच्छा उसमें मैंने, मुझे पता है इस मामले में सदर थोड़ी सी वीक है, तो मैंने करना ये शुरू किया जब ये किचन में काम कर रही होती है या कुछ कर रही होती है तो जो चीजें फैला रही होती है वो मैं समेट रहा होता हूँ किचन की हद तक, और उसके बाद कमरे की हद। अब आगे बताओ, फिर कर ही लूंगी तो होना ही है ना वो तो। नहीं मैं तो खैर मेरी साथ साथ में अगर किचन से मैं जाता बहुत कम चीजें बनाने के लिए, अपना कभी नाश्ता बना लिया या कॉफी बना ली, तो मैं अगर जब किचन से बाहर स्टेप आउट करूंगा ना तो मेरा पीछे किचन ऐसा होगा कि पीछे किसी ने कोई काम नहीं किया। मसला ये है, आपको कोई कपड़ा भी कहीं रखा हुआ नजर नहीं आएगा, ये उल्टा है वैसे, अक्सर मर्द जो है वो तो यार, लेकिन दबाता करके आते हैं। मेरे और फैसल के साथ भी यही है कि कहीं हमारे गेट टुगेदर्स वगैरह होते हैं तो मेरा कुकिंग की हद तक मेरा सारा काम होता है, सुबह से मैं लगी हुई कुकिंग वगैरह कर रही होती, लेकिन मेहमान बीच में होते हैं यहाँ से फैसल डिश वॉशिंग स्टार्ट कर देते, सारे बर्तन धोना सब सफाई रखना वो मेरा। अक्सर ये होता है कि सिर्फ फ्लोर साफ कर लेते हैं ना लोग, कहते हैं घर की सफाई हो गई, नहीं मैं पंखे साफ होने चाहिए, दीवारें साफ होनी चाहिए, ग्रिल साफ होनी चाहिए, उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए कि मैंने ग्रिल खोली हाथ में मिट्टी भर के जाके हाथ धो, नहीं ग्रिल साफ होनी चाहिए, पंखे भी साफ होने चाहिए, दीवारों पे निशान हो गए तो मुझे रात में नींद आएगी, निशान क्यों पड़ा हुआ, साफ क्यों नहीं है। हां सच में ये ऐसे ही है, जैसे अगर मैं लेटा हुआ हूं और बेड के सामने निशान पड़ा है, साफ क्यों मारी दीवारें को, क्या हुआ, सुबह ही मेट से फिर साफ करवाओ सर्फ से, निशान क्लीन होने चाहिए। मारिया तुम चलती कैसे हो दीवार पे, सुनो तुम निशान कैसे आते हो, कपड़ा रख के तो नहीं बैठे नीचे वाले। नहीं नहीं सवाल ये एक दो सवाल ये बीमारी होती है जो है, सवाल ये है मारिया एक बात बताओ, वैसे वाकई कभी कभी उलझन नहीं होती है। नहीं नहीं सवाल ये नहीं बनता, सवाल ये बनता है तुम चलती कैसे दीवार पे, गंदी कैसे होती है, पैरों के निशान नहीं होते। नहीं वैसे अब मारिये भी वैसी हो गई, मारिये को भी सफाई का बहुत ख्याल होता है, अब शुक्रिया। अब निदा होना भी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, सफाई निफ्स ईमान कहते हैं, लेकिन सफाई का कहीं भी नहीं बोलने देना, जब आया था अपनी बीवी को भी नहीं बोलने देना। नहीं देखिए पता है निदा सफाई निफ्स ईमान है, सफाई का तो होना चाहिए, अब वॉशरूम गंदा है आप कैसे चली जाएंगी गंदे वॉशरूम में, हाँ जी बताएं। एक्चुअली हम लोग शूटिंग्स करते हैं ना तो हमें आदत गंदे वॉशरूम, हमारे कोई नफरी नहीं है, सोचो लड़का ना जाके हम साफ वॉशरूम ढूंढे, ऐसा तो नहीं होता ना, जब शूट्स पे क्या करते हो, हम काम करते थे, ये तो यही होता है। शूट्स पे जब एंटर होता हूँ मैं सबसे पहले वॉशरूम जाके चेक करता हूँ, जिसके घर में शूट होती है ना उसको बुलाता हूँ, कहता हूँ ये सफाई कराओ, इससे पहले शूट शुरू नहीं होगी जब तक वॉशरूम साफ नहीं है। ऐसी जगह प्रॉब्लम है ये मेरे साथ, ऐसी जगह जहाँ पर डर्टी वॉशरूम्स हो तो वहाँ जाना अवॉइड करोगे या चले जाओगे? नहीं अवॉइड करता हूँ मैं, चला जाता हूँ, अब मजबूरी में तो अब नहीं जा सकते, लेकिन उससे पहले कोशिश करता हूँ कि वो साफ। ये हम क्या बातें कर रहे हैं, सीधी बात है, देख के बैठ के दफा करें, मिट्टी डाल छोड़े, आगे बढ़ाएं शो को, आगे बढ़ाते हैं। ये अभी से प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं इंडस के जमाने से मुझे प्रॉब्लम है, इंडस के वॉशरूम्स होते थे गंदे होते थे, मैं जाके धुलवा रहा होता था, खुदा के लिए धो दे बाथरूम, नहीं पता होना चाहिए, नेक्स्ट शायद चैनल खोलते हुए कुछ ख्याल रखे। चलो तुम लोग सब्जी काटो भाई, पोल कॉल रहा सबके, क्या करना है? अच्छा भाई तुम लोगों ने करना ये, बड़े बुढ़ापे के दावे कर रहे हो ना तुम लोग, बात तो बोलो, तुम आलू छीलने का दावा नहीं किया, अलग अलग होता है सुगड़ापे का, जरूरी नहीं कि आलू छील के ही सुगड़ापा जाहिर किया, तुम लोगों ने सिर्फ फ्रेंच फ्राई बनाने पक्की बात है ना कि आलू की से नहीं आता सुगड़ापन, बिल्कुल सही बात है, आपका तो पता लग गया आलू ही गिरा दिया, क्या हो गया। हाँ भाई चलो भाई रेडी हो, नहीं आलू छील के फ्रेंच फ्राइज बनाने, बच्चों ने जिद की है, अब देखते हैं कि अम्मा अच्छी बनाती है, कैसे छीलेंगे ये, इससे छीलते नहीं, अपना हाथ ना छील देना भाई, इससे नहीं छीलेंगे भाई। ओए होए होए, वैसे हमारे घर में बच्चे जिद करते हैं और हमारा दिल नहीं करता तो मना कर देते हैं। वैसे अब तो बाजार में इतने अच्छे कटे कटाए मिल जाते हैं, वो बड़ी आसानी हो गई है कि वो डिफरेंट फ्लेवर्स के फ्रेंच फ्राइज आने लगे, तो वो आप फटाफट उससे बना लेते हैं। ओए होए, ये आलू सही नहीं, अच्छा ये वैसे ऐसा तो नहीं कि नेता अपनी अफ्तारी के लिए आप अपने आलू ले आएंगे घर से, कि आप शो हो जाएगा, हालांकि आप तो आलू भी कट जाएंगे और मैं आज आलू के पकोड़े घर में बना लूंगा। आप लोग समझ गए, आज मेरी मेड ने छुट्टी मांगी, हां तो आपने कहा घर का काम से करा लो, तो ऐसा शो क्रिएट किया जाए, नहीं नहीं सिर्फ अभी फ्रेंच फ्राइज के लिए काट दो,
अच्छा बच्चों को कौन ज्यादा डांटता है आप चारों में से? मैं तो नहीं डांटता, ये मारिया यार, मैं कभी कभी बहुत जल्लाद माँ बन जाती हूँ। ये मारिया करती है और मैं, उस पे हमारा झगड़ा भी होता है। नहीं नहीं, जल्लाद बनना पड़ता है समटाइम्स, माँ को समटाइम्स एक्स्ट्रा लाड होता है, इतना एक्स्ट्रा पैम्पर कर रहे होते हैं, तो मेरे लिए सख्ती कहीं कहीं जरूरी होती है। ऐसे मेरे बच्चे बिगड़ जाए सब माँ को ही ब्लेम करेंगे ना कि तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं नहीं ऐसा, हाँ मैं जो असल बात है वही होता है भाई। कटजा भाई क्या बात है, इसका मतलब तुम लोग मैके भी रूट के चले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये खाना वाना खुद पका भी नहीं। बल्कि और हैप्पी होंगे ये लोग। हाँ, बैचलर पार्टी शुरू हो जाएगी। तो मारिया जाती है चार चार दिन के लिए रहने, मैंने कहा क्या भूखा मर जाता हूँ मैं, तुम नहीं होगी घर पे तो खाना भी खा। तुम ऐसे कभी रूट के गई? नहीं नहीं, मुझे अरमान ही रहेगा काम के लिए शादी नहीं की। उनको देखो ऊपर हो रहे हैं। हाँ सजा, तुम रूट के गई, एक तो किस्सा मुझे तुम्हारा पता है। और लेकिन मैंने कमाल पता क्या किया था, मैंने कहते ये बच्चे आप नहीं रखे। टेप है अच्छी टेप, तो बस सिर्फ यहाँ वीक होता है इंसान, यार बच्चे नहीं पाल सकते बच्चों। हाँ। के लिए यार, लेकिन मुझे पैसा ऑफर करते हैं तुम्हें कहीं बाहर जाना है, तुम घूमने जाओ, बच्चों को मैं देखूंगा। यार छोटे छोटे बच्चों को पालना मुश्किल होता है, छोटे नया पैदा करना उस पे करना है। मैंने तो अभी इसको ये भी कहा कि तुम ऑस्ट्रेलिया चली जाओ, मेरे बड़े भाई बहुत बुलाते हैं, तो बच्चे मेरे पास रह लेंगे, कोई इशू नहीं है, तुम चली जाओ आराम से। तो ये कहती है नहीं, बच्चों के बगैर कैसे मैं रहूंगी। तो मैंने कहा देख लो भाई अब। अच्छा एक ताना जो लड़ाई में अक्सर एक दूसरे को दिया जाता है, अपना बता दूं मैं? उमेर मेरा बता दूं? हाँ पता नहीं, उमेर अपना बता देंगे। क्या मेरा? आपने मेरे लिए किया क्या आज? हाँ, तक तुम बोलती हो। हाँ, हाँ, क्या किया आज तक मारिया? तुम क्या बोलती लड़ाई यार? मैं तो फैसल को इतना ताने वाने मैं मारती नहीं, जब सोचो लड़ूंगी नहीं तो तानू किसके बात। नहीं ताने कभी नहीं मारे, कभी भी नहीं। मैं कह देता हूँ बचपन में आयोडीन में लाल नमक क्यों नहीं खाया था तुम? हाँ तुमने नमक नहीं खाया, तुमने नहीं खा रहा। मैं बोलने बोलने में क्या जा रहा हूँ, ये क्यों कहते हो? मतलब स्लो हो जाती है ना, हाँ। स्लो हो जाती ना मारिया, तो मैं कहता हूं आयोडीन मिला नमक क्यों नहीं खाया था भाई? नहीं मैं क्योंकि लड़ती नहीं हूं, क्योंकि मुझे इनको मैं आप क्या ताना देते यार? मैं क्या ताना देता हूं पता नहीं, मैं तो भूल गया काफी अरसे से लड़ाई हुई है। ताना देता हूं क्या क्या निदा सवालात कैसे कर रही है कि मतलब जैसे हर वक्त हम कुत्तों की तरह लड़ते ही रहते हैं घर में, ऐसे कुछ ताने ही मारते रहते, ऐसे पेश करी जैसे कोई हम कोई बहुत जल्लाद किस्म के लोग हैं, हमारे यहाँ हर वक्त डंडे निकले रहते हैं, हमारे यहाँ हर वक्त कुश्ती होती रहती है, ये ऐसे पेश कर रही है कि दुनिया देख रही होगी क्या सोच रही है। नहीं लेकिन तो मैं ताने नहीं देते, नहीं ताने देते कभी भी, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इवन लड़ाई में भी नहीं। हाँ मैं याद नहीं आते हैं क्या? हाँ मैं बेसिकली याद नहीं रखता हूँ ऐसी चीज़ें। सदफ कहती है आपकी यादाश्त के साथ इशू है, आप ये भूल जाते हैं वो भूल जाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा इशू है, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी यादाश्त दी है इस मामले में कि मुझे वो चीज़ें याद ही नहीं रहती। नेगेटिव चीज़ें एक बात, बेगमा जो है वो बैठे बैठे आराम से सुकून से काट रही है और मियां भी खड़े हुए हैं। अरे भाई तो हमारा काम नहीं है ना, कभी कभी करते हैं तो ऐसा हो जाता है क्या होंदा, काट तो रहे ना आलू फिर। चलो बन गए मेरे फ्रेंच फ्राइज, इससे ज्यादा बस भाई दिखाओ जरा, सारे आलू छील लिए, फ्रेंच फ्राइज बनाओ। आलू थोड़ी छील लेते, आलू भी छील लेते, इतना मोटा फ्रेंच फ्राइज गलेगा ही नहीं। अरे नहीं कटा हुआ बीच में, कटा हुआ होगा बीच में से। तेल को जरा ज्यादा गरम कीजिए आपने, निदा निदा देखो तो इतना मोटा। तेल को पहले सही से कड़कड़ा दीजिए, उसके बाद आप उसमें डालेंगे तो ये सही गलत। हाँ, तेल कड़कड़ाना सही जी। तो ये तेल को पहले आप कड़कड़ा लें सही, कौन सा नहीं कटा हुआ, अच्छा रह गया होगा ये। लेकिन पता है क्या, अब कटर्स आ गए तो प्लीज आप इतनी झंझट में मत पड़िएगा। हाँ हाँ वो बेहतरीन कटर्स, बारीक बारीक है लेकिन इतने भी अच्छे नहीं, देखते हैं हमारी बेगमात ने कैसे काटे। नहीं सही बुराई नहीं है, बुराई बुरे नहीं है, बस सही है। ठीक है लेकिन अगर ये छुरियां हमारे घर में हुई ना, हाँ तो ये तो काम हो गया, काम हो गया। ये छुरियां कभी कभी इस्तेमाल होती है ना बताइए, इसीलिए कभी कोई मेहमान आया तो उनको दे दिए। नाजुक छुरियां गले पे ही चलती है सिर्फ, देखो ना कितनी शार्प है। अक्सर जो धमकियां औरतें देती है ना खुदकुशी कर लूंगी तो यही छुरी से कर रही होती है। नहीं मैं क्यों खुदकुशी करूं, ही ना यहां तक निदान मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं, ये मजा ले लो, ये खराब भी आ रही है। मैं खुदकुशी करूं भाई? मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा बुरा लगा दो रोटी ज्यादा खा लो जाओ। मेरे बाप का क्या जाता, ये पूरी लाइन बोले, पूरी लाइन ये, मैंने कहा मेरे बाप का क्या जा रहा है, जाओ दो रोटी ज्यादा खाओ। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद किसी के बाप का कुछ नहीं जाता। <laughs> <laughs>
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मर्द हजरात, सॉरी शोहर हजरात और बिग मात हमारे साथ हैं और मुकाबला हो रहा है दोनों में। वो चिप्स कहाँ गए भाई? बिग मात ने चिप्स ज्यादा अच्छे काटे। बिल्कुल भी नहीं जी, हाँ झूठ मत बोलो। जी हाँ, मेरे बनाए हुए फ्राइज बहुत अच्छे साफ सुथरे तरीके के। तुम इतने बड़े बड़े जो काट रही थी ना, इतने से आलू थे वो। हाँ नहीं भाई, वो निदा ने हमें हराने के लिए मेरे को जो निमकान रह गया था कटने से वो दिखा दिया। हाँ बेचारे तो नहीं, चारा माशाल्लाह तक अभी सहरी में खा कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है माशाल्लाह। अच्छा एक शिकायत जो हर मर्द को होती है, तो तुम स्त्री नहीं सिखाई तुम्हारी अम्मी ने? हाँ, स्त्री पे इतनी कोई बातें सुननी पड़ती हैं। कॉलर नहीं स्त्री की है, कैसी स्त्री की है दोबारा करो, देखो जेब कैसी चुड़मुड़ हुई हुई है। तो हमने कहा देखते हैं कि अम्मी ने नहीं सिखाई। हाँ तो तुम्हें कुछ भी सिखा देती, कुछ तो सीखती तुमने, कुछ भी नहीं सिखाया। स्त्री और बर्तन नहीं धो सकती। तो आज देखते हैं कि मटके में से कपड़े निकाले अगर तो उसको स्त्री करके दिखा दे जरा, मान जाऊंगा। अक्सर तो लोटे में से रखे टोटी में से निकाले हुए होते कपड़े भी तो वो दोनों जो स्त्री होते हो भाई। कौन सा कपड़ा है? अल्लाह ये स्त्री ले जाओ, ये लो हो गया सदफ। अल्लाह ये तो इसको तो स्त्री की जरूरत नहीं है, ले लो भाई, छोटा मेरा भी जीत गया बगैर हाथ लगा के। कमीज दे दी मजे से, स्त्री कर लेगा वो। मैं एक्सचेंज कर लूंगा कपड़े, टीम का बंडा मेरा कोई मसला नहीं है। मैं कपड़े एक्सचेंज कर नहीं, मैं तो अब ये स्त्री करूंगा। और भी होगा ना कोई? नहीं कुछ नहीं है। आए हाय सारे जॉर्जेट के इधर ही दे दिए, तभी संभक्तों देखो तो इसके तो स्त्री की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। मैं जीत गया वैसे जीत। अक्सर मेरा दिल चाहता है ऐसे कपड़े हों घर में, बस वही निकाल के पहन के चला जाए। मतलब इतने मुश्किल, मुझे भी स्त्री करना जहर लगता है। मुझे भी यार, मेरे तो इसलिए हैंगर रहते हैं। हाँ उसको शुरू भी हो गया ना, वो तो देखो जरा सेकंड नहीं लगा रहा। मसला ये है अभी से स्त्री का पता नहीं है। वैसे पहले अपने कपड़े खुद स्त्री कर लेते हैं। हां कर लेते हैं। मैं खुद ही करता हूं अपने कपड़े। वो कैसे क्रीज बना रहे हैं भाई, मैं करूं करते रहूं भाई। फैसल जीत गया इस मुकाबले में तो यार, लेकिन सब्र कर ले, कपड़ा बहुत सड़ा हुआ है। और स्त्री अच्छा तो कपड़ा पहले अच्छा होना चाहिए, कपड़ा तो कुछ भी हो। अपना हाथ ना जलाना बहन। नहीं फिर ये हाथ नहीं, मुझे तो कपड़े से जितना डर लग रहा है। मुझे लग रहा है यार सदा अच्छी करती है स्त्री, वहाँ फैसल नहीं। मैं उमेर को ज्यादा अच्छी, मेरे से ज्यादा अच्छी स्त्री कोई भी नहीं करता वाकई। इन्होंने कोर्स किया स्त्री करने का। जब शादी हुई थी तो मैं स्त्री कर रहा होता था ना अपनी शर्ट्स वगैरह इसी तरीके से, तो अब्बू पीछे से गुजरते थे ना सुबह सुबह कहीं जाना, मैंने भी जाना, अब्बू भी ऑफिस के लिए जा रहे थे, तो अब्बू गुजर के वापस जाके गेट पे खड़े होकर कहते थे बेटा ड्राई क्लीन की दुकान खुलवा दूं तुम्हें। सब बात होए होए भाई। और उसके बाद निदा मैंने कुछ अरसे 3-4 साल तो स्त्री की है, क्योंकि 10 दफा भी करती थी तो मैं आके से वापस स्त्री करते थे। बाकी तो मैंने गिव अप कर दिया। लेकिन फैसल भी बहुत सफाई से स्त्री करते हैं कि कॉलर उसके बटन का निशान नजर ना आए और ये पट्टी वो बिठाना वो पॉकेट का सब कुछ बहुत अच्छे से स्त्री करते। किसी शूट पे भी जाके ना तो मैं आयरन वाले वो लड़के को बुला के कहता हूं कौन करेगा आयरन, बुला उसे, उसे बताता हूं कि बेटा स्त्री ऐसे होनी है, ऐसे नहीं। कि किसके मजे आने वाले हैं, फ्राइज चले गए, कपड़े स्त्री के जा रहे हैं। आपकी ड्रेस लग रहे हैं मुझे, कि आज कपड़े आप अपने घर से लेकर आ गए, पहले आपका सारा काम पूरे और अब आपने कल के जोड़े भी ले आएंगे, कल जो पहनना है शो पे वो आज स्त्री करा लो, इनसे सारे काम करा लो। भाई इस मुकाबले में तो नंबर 1 पे फैसल है, नंबर 2 पे मर्द हजरात जीत गए भाई इस मुकाबले में। क्या मर्द हजरात के उमेर के शिफॉन के कपड़े, लेकिन उनके स्त्री करने का अंदाज बता रहा है कि तुम्हारे कपड़े भी यही स्त्री करते हैं घर में। एक्सपर्ट ऐसा ही है, एक्सपर्ट क्योंकि वो कहती है अच्छा देख लें अगर आप नहीं करें तो फिर वो मेट तो है नहीं, अब आप नहीं करें तो लेट हो जाएंगे, फिर मत बोलिएगा अच्छा लाओ कर देता। अच्छा आइडिया वैसे सदा है ना, किया करो नेता तुम भी ट्राई करके देखो। अच्छा आइडिया है, ओए होए दुपट्टा भी निकाल लिया फैसल ने तो भाई। यार ये तो बहुत तेजगाम बने हुए फैसल, आपकी शलवार देखी थी गुजर मुजर हो रही है भाई, ये स्त्री हल्की हो गई मेरी वाली। सबसे ज्यादा मुश्किल कपड़े जो है आप रुमाल स्त्री इसको आंखों से चला लो उमेर, ये जो मेरे पास मायों का जोड़ा आया हुआ मैंने भी स्त्री कर दिया। उमेर आंखों से चला ले स्त्री। हाँ लाओ। अच्छा कभी किसी का मतलब लाइक होता है ना हाथ जला, खाना पकाते हुए स्त्री करते हुए हाथ जला या कुछ, तो नखरे के साथ ज्यादा बहुत जला है मेरा मारिया के साथ हो चुका है। सदफ का पक जलता है बहुत ज्यादा, स्त्री शायद काट गया जल गया भाई। ये टीम हमें स्प्रे देगी कोई नहीं देगी, इसमें से तो निकल नहीं रहा पानी। अच्छा नहीं बताओ मुझे एक बात, जैसे अगर हाथ कट गया या तो कोई केयर करते हैं ये मर्द हजरात
तुम्हारा हाथ कट जाए जल्दी दादी अम्मा बन जाती हूं घर में किसी का हाथ कटूंगा अम्मी अम्मी हल्दी लगा ले अम्मी तेल लगा ले यूं कर ले ये बहुत हमारे वाली ट्रीटमेंट है अम्मी ने क्योंकि मुझे एक आध बार बताया था तो मुझे याद है अब घर में किसी को भी फर्स्ट चाहिए होती मैं देती हूं अच्छा ओ और सदैव तुम्हारी कोई केयर करता है खुद जल जाती हो तो मगर हाथ मैं थोड़ी सी पत्थर हजम हूँ लक्कड़ हजम क्यों मैं कहती यार छोड़ो कोई बात काम तो करना ही है ना हाँ, कौन लेकिन हाँ, कहते छोड़ दो इन्फेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा फिर भी करती रहती हूँ। अभी सदब ने गलती से गरम एक भगोना चढ़ा हुआ था चूल्हे पे के ऊपर सदब ने स्पीड में आई है पता नहीं इसको क्या जहन में नहीं रहा कि वो पक रहा है इस वक्त उसने यूं आके पूरे भगोने को पकड़ा यूं उठा लिया और उठा के फिर वापस यूं करके रखा तो इतनी इन द मीनवाइल इसका ये पूरा हाथ दोनों जल गए थे अभी की बात हाय सदा फिर तुमने क्या किया अब तो ठीक हो गई है तो फिर मरहम लगाया मियां ने कि नहीं ऐसी बात है क्यों नहीं लगाया होगा मरहम नहीं तो ऐसा मरहम लगता मुझे जिंदगी भर ही लगता रहता चलो भाई बेचारों से इस्त्री कराना बंद करो मुझे शर्म आ रही है मेहमान आएगा और इनसे इस्त्रियां करवा रहे हैं कपड़े देखो वैसे सबसे अच्छी इस्त्री मैंने पूरी कर दी लेकिन आप अपने मियां से हमारी करवा ली थी कोई बात नहीं हम तो घर में भी करते हैं हमें इसलिए हम तो पागल हो गए मेरे घर में तो खैर मारिया इस्त्री नहीं करती कोई जी हाँ इसलिए आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अच्छा सबसे जहर काम कौन सा लगता है मारिया इस्त्री करना आपको सबसे जहर काम कौन सा लगता है घर का खाना वाना मुझसे नहीं पकवाए सफाई करवा ले खाना मैं नहीं कर सकता या बर्तन और अगर कोई खास डिश खाने का दिल चाह रहा है तो फिर हम अपनी ख्वाहिशें मार लेते हैं आपको डाइटिंग करते करते इतनी आदत हो गई बहन की क्या बता तो हाँ ये तो है अच्छा कभी ऐसा हुआ हो ये जब तुम मियाँ के कपड़े धो रही हो तुम लोग जेब से पैसे निकल आए और उनको दिए ना हो तुम लोग तो कभी भी नहीं देते ऐसी नहीं क्या बात है यार मैं क्यों इतनी नेक हूं मैं क्यों दे देती हूं मेरे दिमाग में शैतानी वसवसे क्यों नहीं आते ये तो दे देती कार्ड कभी नहीं मिलता जेब से यार क्योंकि मुझे फैसल वैसी इतनी पैसे दे देते मुझे चुराने की जरूरत नहीं हाय हाय बड़ी अच्छी आज बड़ी अच्छी पट्टियां पढ़ा के लाओ फैसल बड़ी मजे की बात ये है बड़ी मजे की बात ये है कि सदर के लिए कार्ड नहीं मिलता मेरे ऑनलाइन सारी ट्रांजेक्शन ये कर रही होती है और इसको कार्ड की क्या जरूरत है जब सारी चीजें परचेज करनी होती है कार्ड देने का मजा ही अलग ये लो बेगम कार्ड ले लो उसके बाद जितने भी उड़ाओ वो हमारा मसला है अच्छा कार्ड समटाइम्स ये भी हुआ है अब मैं नहीं हूँ सिटी में नहीं हूँ तो कार्ड मेरे पास है ऑब्वियसली तो अब सदफ का अचानक से मेरा यार उमेर आप यार पैसे भी नहीं देकर गए ना मुझे जरूरत है अब इसकी क्या करें अच्छा चलिए ठीक है मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेती हूँ अपने पास मतलब पूछ तो लोग कितने करने हैं क्या करें ऐसे छोड़ने से ये हो मुझे याद आ गया ठीक है मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेती हूँ मतलब मेरे अकाउंट पे जाके एक्सेस करती है ऑनलाइन ट्रांसफर अपने अकाउंट पे करती है अपने कार्ड से यूज कर लेती है और एक दफा तो बड़ा मजे का सीन हुआ और मैंने कार्ड दिया मेरे का कार्ड मेरे से गुम हो गया मैंने कहा अच्छा मेरे पास बहुत बड़ी अमाउंट रखी हुई है तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तुम्हारे मैंने कहा ठीक है अच्छा वो ट्रांसफर हो गया सब हो गया कार्ड भी मिल गया पैसे ट्रांसफर किए तो वो वापस कर दो ट्रांसफर कौन से पैसे थे मेरे पास तो कोई ट्रांसफर नहीं हुआ मैंने कहा वो मेरे ओए ओए और वो ठीक ठाक बड़ी अमाउंट थी ओए 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 हो गए हमारे भी चलो सर शुक्र है मेरा भी काम खत्म हो गया अब मुझे होटल में काम नहीं करना चार दिन का सुकून हो गया मुझे भूखे नहीं मर रही है सोच मारिया पूरा करना दुपट्टा भाई रोज रमजान है तुम लोगों से क्या करवाऊं यही करवाऊंगी ना घर जाके मेरी थोड़ी हिम्मत होती है चलो भाई मैं पहले ही कह रही थी कि सबसे मुश्किल कपड़े फैसल के थे और सबसे अच्छा फैसल ने किया और रखा सबसे बुरे तरीके से नहीं तो देखो जरा ना इस्त्री करने भी इसी में है इसी में कपड़े भी रखते हैं डालते ना ये देखो यूं करके मटके के ऊपर रख देते हैं अच्छा मेरा शर्ट इस्त्री खराब हां भाई अच्छी किया ना भाई क्या ख्याल है हाँ बड़ा एहसान किया जॉर्जेट की इस्त्री करके ये भी बड़ी मुश्किल से हुई जो इस्त्री है इसको तो गीला करके हैंगर कर दो इस्त्री हो जाती है इस पे जॉर्जेट पे नहीं वो वाला नहीं ढीट वाला जॉर्जेट है और मारिया तो पता ही क्या करती है कपड़े जॉर्जेट के पहनने के बाद पानी का स्प्रे मार शुक्र करो गाड़ी के बोनेट में खड़े होकर निकल जाती यूं करके कपड़े पहनने के बाद ये क्या करती है इस्त्री कर रही हूँ पूरा स्प्रे करके कपड़े सीधे वाह अच्छा आइडिया वैसे है मारिया ऐसे करती हूँ अच्छा
हमारे यानी भी अच्छे किए हैं जी हाँ, तुम सबने अच्छे किए। नंबर वन जो है ना वो फैसल है, और ये तो एक्टिंग करते रहे पूरे वक्त, उन्होंने तीन तीन चीजें करी, दुपट्टा सलवार कमीज, ये करता रहे करता रहे, जैसे पता नहीं कितनी। एक उसमें जब निकाला था हमने तो फिर भी इस पे निशान थे, अब नहीं मिलेंगे आपको सारे वो पानी डाल के किए। 25 मिनट आपने कमीज को इस्त्री करने में लगा दिया तो कहाँ से मिलेंगे। अच्छा अच्छा, आप लोगों में से कौन हर वक्त बिजली का बिल बचाता रहता है? यहाँ की लाइट बंद, पंखा बंद। मैं तो ये मैं तो सेट की इस्त्री भी निकाल रहा हूँ। मैं हर जगह की मारिए लाइटें क्यों जल रही है बिलावटी। मैं तो आप क्या करें सेट की इस्त्री भी निकाल रहा हूँ तो घर पे क्या हाल होगा आप सोच लें। मुझे मेरी दोस्त याद आ रही है जवेरिया साउथ, क्योंकि उनके मियाँ के साथ भी यही मसला है, ये दोनों साउथ पार्ट टू है, लाइटें बंद कर वो भी आते हैं। घर में एंटर होते ही बच्चों से मैंने कहा बेटा बाबा की दूसरी शादी वादी तो नहीं है, क्यों इतना चरागा हुआ होगा घर में? हर घर में ये होता है, वलीमा है क्या? हाँ, वलीमा शादी है, वलीमा है ये क्या है, लाइटें क्यों जल रही है? दूसरी शादी पे ना तो मैं वो जो है ना ऐसे ब्लैकआउट करके रखूंगी, सोचे आपकी शादी करने देगी ब्लैकआउट बाद में करेगी। अच्छा सुने मजे की बात, पूरे घर की लाइटें चल रही होंगी, टीवी भी चल रहा होगा, सब कुछ चल रहा होगा, सारी बचत कहाँ हो रही है? किचन के एग्जॉस्ट फैन से, जिसकी मुझे हमारी काफी दफा झड़प हुई कि एग्जॉस्ट फैन चला दिया करो किचन में, जाता वो धुआं भरना शुरू हो जाता है, और हमारा अमेरिकन किचन है तो वो खुला हुआ है तो वो सारा धुआं अंदर भाई वो जला लो ताकि उसमें बचत हो रही है कि वो एग्जॉस्ट फैन नहीं चलेगा, दुनिया की लाइटें जला दी। हाँ सच में किफायत ये ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं घर घर की कहानी सुन रही हूँ, हर घर में यही सिचुएशन, यही कॉमन सिचुएशन है जो सब अच्छा देखो कुछ लोग होते हैं अगर नल में से पानी बह रहा है, टैंक बह रहा है, बह रही है तो वो निकाल देते हैं, चलो प्लम्बर को बुला लेंगे। आप लोग में से कौन फिनिकी है इस चीज में कि जरा सी भी कोई खराबी हो फौरन बुलाओ? सब, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई भी चीज हो, घर की चीजें हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज हो, उसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं करता कि वो इतना सारा जमा करके और उसके बाद करवाऊं कहीं प्रॉब्लम आ जाए कुछ आ जाए, तो मेरी हर चीज आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको डेट मिलेगी सारी चीजें। अच्छा ये प्लम्बर वगैरह अरेंज करना आप लोगों का काम होता है? बेगमाती देखो यहाँ तो हमारे सर पे सब कुछ होता है, प्लम्बर बुलाओ, कारपेंटर बुलाओ, जनरेटर वाला बुलाओ, नहीं मतलब आधा मर्द तो पे रहे ना हम। नहीं नहीं मैं तो सब कुछ मारी हुई, पता भी नहीं होता कि कहाँ मिलते हैं, कहाँ वो पाई जाती है शख्सियत, कुछ नहीं पता। मुश्किल कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे, तो मुझे आधा बर्स करो ना फिर। मैं इसमें सदफ को ये कहता हूँ, मैंने कहा देखो, मैं सदफ को ये कहता हूँ, मैंने कहा देखो ये मैं कर लेता हूँ सारे काम, बच्चों को भी मैं ये समझाता हूँ, मैंने कहा लेकिन ये सारी चीजें लिस्ट मौजूद है, मेरे होते हुए भी ये काम किया करो, ताकि लेट्स सपोज मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो तुम लोगों को पता होना है कैसे चलना है क्या। बिल्कुल ये बात ये बहुत जरूरी है, बच्चों को भी बताना है इसको भी। तो मैंने इनसे करवाना शुरू किया बच्चों से भी, मेरे पास बर्ड्स हैं तो मैं बर्ड्स का खुद करता हूँ दाना वगैरह सारा जो भी डालता हूँ। अब मैंने बच्चों को साथ लगाना शुरू किया कि यार मैंने शूट्स पे जाना है, हमारे बच्चे तो उठ के पानी भी नहीं पीते, गलत ट्रेन कर दिया। अब सुबह में फजर के टाइम पे हम तीनों जाते हैं ऊपर, ठीक है, बर्ड्स को भी डालते हैं, कबूतरों को भी डालते हैं, सारा डालते हैं, दाना वाना डाल के हमसे खाना भी से खिलाते हैं, अभी खुद अपने हाथ से खाते हैं, और इसको इतना ट्रेन हो गया है कि अगर उससे कुछ गिर जाए गिराता है, उसकी चादर सी बनाई हुई है वो साफ करके वापस आने के लिए बच्चों को करना पड़ता है ताकि उसको खाना खाना आए ताकि वो खुद खाए। हाँ। थोड़ा गिराएगा, एक दफा गिराएगा, दो दफा गिराएगा, उसके बाद ट्रेन हो जाएगा। मैंने कहा मारी इन लोगों को आदत डालो। अच्छा आप चारों में से कौन सबसे ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं? मतलब मैं क्यों, तुम सारा दिन नहीं करती रहती सारा वक्त ऑनलाइन शॉपिंग? नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं मोबाइल लेके बैठती हूँ, अदरवाइज फैसल आजकल जो उसमें रोजे की वजह से फ्री होते हैं ज्यादा, टीवी देख रहे होते हैं तो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। अभी एक एक वो हुआ सीन हुआ, सदफ ने कहा यार हमारे पैसे नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? तुम्हारा अभी चेक आया तो था, अच्छा खासा चेक था, कहाँ गया? नहीं वो खत्म हो गया, छोड़े ना अब पैसे नहीं, मुझे पैसे नहीं मिलते यार इतना। मैंने कहा मेरे से ज्यादा वाला चेक आया था तुम्हारा, वो काम मुझे बताओ का है? मैं तो घर का खर्चा कर रहा हूँ सारी चीजें कर रहा हूँ, तुम्हारा चेक है? नहीं वो छोड़े, मैंने छोटी छोटी चीजें मंगवाई हैं वो ये के। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब वो चीजें आना शुरू हुई हैं तो कम से कम 30 दिन तक सिर्फ चीजें आती रही हैं ऑनलाइन, डेली दो चीजें आ रही है, वो तो
जो डिलीवर करता था टीसीएस वाला पक्का दोस्त हो गया मेरा। आई स्वेयर घर की चीजें, मैंने अभी नया घर शिफ्ट किया है, सारी घर की चीजें बताएंगे भी साथ। ओह माय गॉड, घर की चीजें यार बस कर दो। नहीं नहीं, घर की चीजों के अलावा सैंडल्स आ रही हैं, टॉप्स आ रहे हैं, सारी चीज आ रही है, जरूरत की चीजें हैं ना। और क्या, और क्या भाई, ये तो टीवी पे आना होता है, शो पे आना होता है, कभी सनम के शो पे आना होता है, कपड़े चाहिए होते हैं, जरूरी है। अच्छा घूमने का शौकीन कौन है? ओहो, वेकेशंस का शौकीन, चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, दोनों उसके लिए पैसे कौन जमा करता है खास तौर पे? हम जमा नहीं करते हैं, हम अलमिया से काम, अलमिया से जो करते हैं, अलमिया जाना है बस कर दो, कहीं जाते हैं चले जाते हैं। हां जमा वमा नहीं करते, बस जमा नहीं करते क्योंकि वो कभी जमा ही नहीं होते। हां जमा करने की प्लानिंग करते वेकेशंस की या बस सामान पैक किया और चल गए? मुझे लगता है मजे की बात बहुत सोचना पड़ता है। हमने नहीं किया, हम अभी बाय रोड ट्रिप पे गए थे, तो मेरा बेसिकली कमर्शियल था, तो उसके लिए जाना था। मैंने कहा यार सदफ एक हफ्ते के लिए जाना है इस्लामाबाद, बाय कार चलते हैं, चलो मज़ा आएगा, तो हम एक ट्रिप करना है, काफ़ी अरसे से डिले हो रहा है। सदफ ने कहा अच्छा चले। मेरे ख्याल में दो दिन के टाइम पीरियड में हमने सारी प्रिपरेशन की है, मैंने गाड़ी वाड़ी का काम करवाया, सारी चीज़ें की, बाय चांस मेरा ऑफ था शूट से, चीज़ें जो बच्चों की लेनी थी, रास्ते के लिए जो सारी चीज़ें थी वो सब करके हम बाय रोड इस्लामाबाद, मैं और सदफ हम गए 6 डेज के लिए, थे हम आए 21 डेज के बाद। मैं दो दफा कराची वापस आया, वापस गया, क्यों? काम करने के लिए, मेरी शूट थी। सदा बच्चे वहीं, गाड़ी वहीं, हम वहाँ, मैं वहाँ से वापस आता कैसे था, था? ट्रेन में नहीं, बायर आता था, बायर से वापस चला जाता था अपना शूट करके, फिर वहाँ से घूमे फिरे 3-4 दिन का, फिर शूट करने वापस आ गया, फिर वापस गर्मी आपने वहाँ गुजार दी। क्योंकि हम चारों को शौक है रोड ट्रिप पे जाने का, हम चारों को लॉन्ग ड्राइव का शौक है, गाड़ी का शौक है, तो वो मजा आता है उसमें, चारों मस्तियां करते हुए गाने गाते। मुझे रोड वाला बड़ा खतरनाक लगता है, पता नहीं क्यों, मैं जो आए दिन न्यूज सुन रहा होता हूँ मुझे बड़ा रिस्की लगता है। इंसानों की तरह चलाओ को रिस्की, मैं किसी और के साथ भी जा रहा हूँ तो मुझे बहुत रिस्की लगता है। वैसे प्लेन, बाय प्लेन तो जाना आना लगा रहता है, अभी बल्कि मैं मारी से गया, अब हमें परिहान की वजह से भी देखना पड़ता है, उसकी स्कूलिंग है, उसकी छुट्टियां कब होंगी, अब जब छुट्टियां होती तो रमजान आ जाता है, तो रमजान में अपना घर में होता है, अच्छा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें रमजान के महीने। अभी मैं मारिया से कह रहा था कि तुम चली जाओ ऑस्ट्रेलिया के जाने का हमारा हो रहा था, अच्छा यहाँ तक कि रमजान में जो है मैंने अपनी अम्मी के अभी मैं इफ्तार नहीं कर पाती, नहीं जाते हम लोग एक भी इफ्तार मेरा, तो तुम कभी छुपके से झांकना, वो बड़ी खुशियां मना रहे होते हैं कि नहीं आई मारी। नहीं मेरे साथ अगर इफ्तारी करने कहीं और जाए ना, यानी कि दावत में भी जाए, वो मजा और लज्जत है। ससुराल वाले मेरे बुलाते हैं इफ्तार पे, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाता कि मुझे अपने घर में रोजा खोलना होता है। लेकिन तुम तो ये कह रहे थे कि मैं ससुराल वालों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराता, ऐसा क्यों नहीं है? क्यों अभी तुम पीछे कह, अभी तुमने कहा झूठ कैसे कह रहे हो यार, झूठ मुंह पे कह रहे हो तुम। माशाल्लाह मेरे ससुराल वाले आप मिल चुकी हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं, और ये कि मैं अफ्तार की वजह, अफ्तार से 10 मिनट पहले मेरा काफी मिजाज खराब हुआ होता है, तो मैं कहता हूँ घर में अच्छे से रोजा करो। पता है तुम्हारी अम्मी अभी अगर देख रही होंगी ना तो बैठ के करूंगी हाय उमर क्यों कह रहे हो ऐसे, वो जानती है अपने दामाद को ही बोल रहे हैं, सब बहुत अच्छे बड़े लविंग केयरिंग है, बहुत ज्यादा सब मेरे आगे पीछे फिर रहे होते हैं, मैं जाऊं उनको पता है कि फैसल को चाय बहुत पसंद है, एक मिनट के अंदर चाय आ जाती है। मैं तो मिल चुकी हूं ना मारिया की अम्मी, कितनी मजे की हैं, कब बुला रहे हो हमको? हां कभी भी, टाइम शहरी का कर रहा हूं ना, शहरी पे सब इफ्तार नहीं कराएगा फिर? नहीं नहीं इफ्तार पे आज हमने हमने तुक मलंगा वाला शरबत पी रहे हैं। अच्छा हरे वाला भी लाने वाला, सबके घरों में जगहों में शरबत मिलता है, इतना बड़ा यार क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है ना, और मुझे वो फैमिली बड़ी माशाल्लाह लेता है, भाई फैमिली सिस्टम है, मजा कितना आता होगा अफतारी में, सहरी में इतना पूरी फैमिली शरबत और लाल शरबत अलग अलग, वो लाल शरबत और मारिया जो थी एक भगोने में तुक मलंगा भी खुला हुआ रखा होता है, वो बिल्कुल नहीं ठेले वाले जो बना के देते हैं शरबत। यार मजा आता है वैसे ना, एक साथ सारी भरी भरी फैमिली होती है, अच्छा लगता है। लोगों को क्या दिखता, हम इतनी इतनी सी रखी हुई थी प्याले में, मारिया ने इतने बड़े बड़े जार में पीस के रखी हुई है, क्योंकि डेली हम लोग को चाय होती है, डेली चाय होती है, इतने बड़े बड़े जार भर के चटनियां 3-4 तरह फ्रिज में रखी हुई है कि वो खत्म होती है फिर उसमें से डाल रिफिल हो जाता है। भाई चटनी से याद आया, बहुत चटोरे हो भाई, वो तो है। आइए जी लखनऊ के लोग हैं, आइए चटोरे लोगों की बातें सुनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, we'll be right back.
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वापस तो आ जाए इवेंट जल्दी। इतनी जब हम आलू काटे थे हम बड़े चिल कर रहे थे, अभी हमें देखो और उन्हें देखो, अभी भी चिल ही करोगे, ये चिल करोगे तुम लोग अभी। अच्छा देखो, तुम तो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हो, तो होता है ना भाई कि कभी कभार बात बढ़ जाती है और किसी की बात से लड़ाई मियां बीवी की मतलब लाइक बढ़ जाती है, तो तुम लोग लड़ते कमरे में जाके हो या सबके सामने शुरू हो जाते हो? ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता जिसके लिए कोई छुप छुपा के कोई कोना तलाश करना पड़े, सबके बीच में भी हो सकती है। तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने वो पार्टी बनती है कि कुछ लोग तुम्हारी साइड कुछ लोग फैसल की साइड, सारे लोग मेरी साइड होते हैं, क्या हो गया है? और तुम चुप रहती होगी क्योंकि बाकी तो सारी फौज है, सारी फौज ऐसी यूं आती है उनपे और ये ठंडे हो जाते हैं। ये फॉरन वो एक्सप्रेस में ये सुल्ताना बन जाती हूँ, लेकिन ये अच्छा था कि ठंडे हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, और तुम लोग भी कंबाइन में रहे हो कभी फैमिली में? जब कंबाइन में रहे हो तो फिर तब क्या होता था? नहीं हम ऐसे नहीं, हम लड़ते थे अपने कमरे में, लेकिन वो आवाज इतनी बाहर आती थी कि मम्मी आके खुद ही पूछती थी, बेटा क्या हो गया, सब खैरियत है? मम्मी आप पीछे नहीं बोले, आप क्या है हमारा मसला? और समटाइम्स मैं भी बाहर आके गिरता था यूं करके, धुम ओए ओए ओए, क्या बात। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में बात हो रही है, आपस में बातें चल रही हैं और बातें होते होते ये उरूज पे पहुंच गई लड़ाई और दरवाजा पटक के जैसे ड्रामों में होता है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसा हुआ है? अक्सर हुआ, अक्सर हुआ है। मैं जाता हूँ नीचे, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ, सोचता हूँ कॉफी कहाँ पीऊँ जाके, फिर कहता हूँ यार छोड़ो कौन जाए इतनी दूर कॉफी पीने के लिए, वापस ऊपर आ जाता हूँ। बैठो ना, खड़ी भी क्यों, टेंशन में खड़ी, बातें तो करें। अच्छा और आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा झगड़ा तो नहीं होगा घर छोड़ के जाना नहीं, क्योंकि पड़े। हम लोग कमरे में नहीं लड़ते कि दरवाजा बंद करना पड़े, हो रहा होता है टेरेस में हो जाता है या किसी बात पे बहस होती है, झगड़ा नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, बहस होती है, बहस तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं तो उसमें बहस हो रही होती है, ऐसा नहीं था, लेकिन वैसे घुटने टेक देता है। नहीं बहस में फैसल घुटने नहीं टेकता, वो मैं टेक देता हूं, मुझे टेक देता है। हां तुम गई हो कभी दरवाजा पटक के? फिर मैंने पीछे से आवाज लगाई, ठीक है कोई मसला नहीं, गुस्सा अपनी जगह, दरवाजा अपना ही है यार घर का, खुदा के लिए। हमारा तो एक दिन दरवाजा पटकाना, पता नहीं मैंने पटका या मेरी मियाँ ने, तो दरवाजे का लॉक ही खराब हो, वो लॉक ही नहीं हो सकता, और लॉक कभी फिर चेंज भी नहीं होता, और फिर जब वो लॉक नहीं हो सकता ऑब्वियसली फिर वो एसी चल रहा है वो खुद ही खुद खुल जाए, खुद ही खुद खुल जाए। फिर मैंने दूसरे दिन कारपेंटर को बुलाया, कहले कि कैसा हुआ, कैसे हुआ ये? मैंने कहा वो बच्चों ने किया। देखे अंदर की बात है ना, पूछो क्या हो गया ये? हमारा क्या अक्सर जैसे कभी होता है, मैं तुम्हारी अभी बात जब मेरा मूड खराब हो बात ना किया करो, बस बात करो ना तो और वो होता है, तो आप चुप रहे हैं बस। जैसे तो निदा बता रहे हो कि ना आपने जो कारपेंटर को कहा कि बच्चों ने किया, ऐसे एक दफा मेरे साथ हुआ था कि ना मैं फ्रिज की जो बर्फ हो जाती है फ्रीजर में, मैं ना छुरी से साफ करी थी, ठक 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 साफ किया, और मैं ये तालियां बजाने लगा, छुरी से कौन साफ करता है, यहां पे वो टूटी नहीं थी बर्फ, तो मैंने ना उसे मारा और उसमें उसमें ना उसकी बॉडी पे छुरी लग गई और उसके अंदर सवाल आ गया। मैंने कहा फैसलू कैसे पता, मैं जल्दी ली नंबर कॉल किया, मैंने कहा सुनो जल्दी फ्रिज वाले को कॉल किया, मैंने कहा सुनो आके सही करो, मैंने कहा वो हड्डियां मड्डियां रखी थी ना वो नेक है ना, मुझे तो लग रहा है आपकी छुरी लगी है। मतलब बर्फ उसमें जम गई है, हड्डियां मड्डियां, मैंने हड्डियां मड्डियां लगी होंगी ना होती है उसमें, मैंने कहा सुनो वो गोश्त निकाल ले तो उसकी हड्डी लग गई इसमें, तो उन्होंने कहा बाजी मुझे हड्डी तो लगी है, छुरी लगी है, उन्होंने छुरी से फ्रिज खराब कर दिया। हाँ समझ गई, और फिर जल्दी से मेरे आने से पहले ठीक भी करवा के रखवा, ये फैसल का इतना मुझे खौफ खाया जा रहा है, अल्लाह ने तो मुझे खत्म कर दी छुरी लगी नहीं, मैं बोलूं तुम ये एक्सपर्ट बनी क्यों थी, क्या जरूरत थी? कहते हैं ना बर्फ के ऊपर मीठा सोडा डाल दो या नमक डाल दो, उस तरह कुछ वो मुझे उस वक्त नहीं आइडिया था, उसमें इतनी ज्यादा बर्फ हो गई थी कि मैंने कहा कि वो कैसे साफ किया जाए, मैंने ऐसे छुरी ठक 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 मारने और अचानक अब आवाज आई, क्या हो गया, कहां से आवाज आ रही है? ये होता है ऐसे कभी कभी, चीजें ऐसी खराब जाती है। टीवी उड़ गया एक दफा हमारा, वो हो रहा था ना बंद खोल हो रहा था, तो टीवी बंद नहीं किया और टीवी उड़ गया, तब हमारी भी इसी तरह जान निकली थी लेकिन मैंने कुछ सही नहीं करवाया, मैंने फौरन सही करवाया था, और इतनी जल्दी जल्दी मैं खाले के पास दौड़ी, कोई किसी फ्रिज वाले का नंबर दे मुझे फौरन सही करवाने, फैसल गाने से पहले डर में मर रही थी मैं। उसके बाद उन्हें डिसाइड किया कौन से फ्रिज वाले कॉल है, वो आए कहे, फिर मैंने अपना जेब मिटाने के लिए मैंने कहा सुनिए जो मैं गोश्त निकाली थी ना इसमें हड्डी लग गई, कह रहे
इतनी मुझे शर्म आई, उन्होंने कहा नहीं इसमें छुरी, वो हड्डी तो नहीं लग रही, मुझे छुरी लगी हुई लग रही, तेजाब नमून हो चुका, वो भी हमारा नया फ्रिज। तो उससे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी बहन, मुझे उसमें भी एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि जाहिर पर लग रहा था मैं कि मैंने छुरी घोंपी की उसके अंदर। सुन लो खवातीन, अक्सर खवातीन छुरी से ही कर रही होती है, मैंने भी यही कहा, मैं जान खवातीन में से एक थी। हां तो इससे कह रही हूं ना नहीं करना, फ्रिज वाला नहीं मिला तो क्या हो गया, चलो गलती करके ही बंदा सीखता है ना। अब नहीं तो खुद को सेट करना दोबारा। चलो भाई देखते हैं किसके तबक जल्दी रोशन होते हैं, तबक। और ये तो आप लोगों का दाएं हाथ का खेल है, देखिए मैं ज्यादा लड़कियों की तरफ नहीं होंगी, सॉरी बाएं हाथ भाई मार्जिन दे आपको पता है। वैसे मैं खड़ी रहती हूँ शो पे, बैठती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं खड़ी हो रही हूँ ना तो कभी मैं यूं जा रही हूँ, मैं यहाँ खड़ी हो रही हूँ। हालांकि सारा काम हमने किया तुम्हारा, वैसे एनर्जी शो करना बहुत मुश्किल, तो मैं बैठ गई हूँ वरना मैं शो खड़े होकर करती हूँ, मगर मुझे साई होकर के मैं यूं कभी हुई, मैंने कहा शुक्र है कट नहीं हुआ मतलब कैमरा, इसलिए मैं बैठ गई हूँ आज, तो ये कोई बात नहीं रोजे में चलता। अच्छा तो फैसल ये करेगा मैं टाइयां बना लेता हूँ, दो चीजें साथ 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 साथ। अच्छा देखिए आपने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आपकी बेगमात रोजमर्रा के कामों में करती हैं, अब हम उनको वो काम दे रहे हैं ठीक है जो आप लोग रोजमर्रा के कामों में करते हैं। मेरा इंतजार करें, रुक जाएं भाई, आपका इंतजार करें, आप रेडी है? यस रेडी, गेट सेट, देखते हैं, चीटिंग गो, चीटिंग एक ही बात है, गो गो गो। ओए होए होए होए, लड़के तो बहुत तेजी से जा रहे हैं लेकिन लड़कियां भी कम नहीं है हमारी। ओ माय गॉड, डरे बगैर बल्ब लगा रही, हालांकि घर पे ये काम ये नहीं करती हैं। फिर ओए होए, एक रह गया भाई, जीत गए लड़के, जीत गए तुम्हारे मियां, जीत गए भाई, दो रह गए तुम लोगों के। नॉट बैड, नॉट बैड यार, इनके तवक जल्दी रोशन हो जाते हैं। एक दो तीन चार सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, जबकि तबक तो 14 होते हैं लेकिन इसमें 12 हैं। ज्यादा शिकायत किसको होती कि कौन, अब कितनी बुरी बातें कहना, लेकिन मर्दों में होती है प्रॉब्लम, ताड़ू कौन है ज्यादा? अल्लाह हू अकबर, ताड़ू यार, ताड़ू कहते हैं ना, मूर्ता कौन है, लोग की बुराई कौन आके अपनी ठंडी करता है, गुनाह है रोजे में, आंखें निकाल होता है वैसे, ऐसी बीवियां ना आंखें निकाल के गोटियां खेलती हैं, रमजान में गुना होता है बुराइयां करना। और तुम तो ताड़ू की बात कर रही हो, सदफ की मैं सिक्स सेंस का तुम्हें बताता हूँ, लिफ्ट में हम चढ़े हैं अपने अपार्टमेंट की, उसमें एक लड़की चढ़ी है, मैं और सदफ खड़े हैं ग्राउंड फ्लोर से, वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से चढ़ी और आके वो लिफ्ट में यूं करके खड़ी हो गई है ना, उसने ना मेरी तरफ देखा ना सदफ की, एक दफा भी नहीं देखा उसने, मैं भी खड़ा हूँ, सदफ भी खड़ी है, वो लड़की भी खड़ी, हम सिक्स फ्लोर पे उतर गए और वो लड़की ऊपर चली गई कहीं, लिफ्ट से उतर के हम बाहर आए, मैं अपना गेट खोल रहा था, सदफ कहती है ये देख लीजिएगा मुझसे पिटेगी, मैंने कहा उसने क्या किया जो पिटेगी बेचारी, यार क्यों पिटेगी, कह रही आप देख लीजिएगा पिटेगी, मैंने कहा अच्छा, वही हुआ, उस लड़की ने वहां से तीन चार दिन के बाद घर छोड़ दिया, शिफ्ट हो गए वो उनकी फैमिली पूरी, उसने मुझे कहीं फेसबुक पे ढूंढ के ऐड किया और मैसेज किया बी माई फ्रेंड, सदफ ने कही कर रही है ना पिटने वाली हरकत, देखिए मैंने कहा था आप घूरने की बात कर रही हैं कि मैं किसी को घूरूं, तो सूंघ लेती है, सूंघ लेती है आखिर निकाल के गोटियां खींचते हो यार, फैसल तो अपनी इतनी मनुष्य मनुष्य दोस्तों की मुझे तस्वीरें दिखाते हैं कुछ भी बात है, नाम ना ले लेना कैमरे वो सब देख रही है टीवी, क्या हो गया, नहीं मैं सच बता रही हूँ कुछ, मैं यही कहती हूँ फैसल ऐसा को आपने ऐड क्यों किया, हिम्मत कैसे हुई आपने ऐसी ऐड करने की? अच्छा मैं उनके वीडियोस भी दिखा रहा हूँ, वो इतने अच्छे अच्छे मुझे मैसेजेस भेज रही होती हैं, आजकल तो बड़े इस्लामी मैसेज आ रहे हैं, नाते पढ़ पढ़ के नहीं हूँ लेकिन ऐसी कौन सी दोस्त होती है शादी के बाद जो आपको हाथों की पैरों की तस्वीरें भेजे? नहीं, लेकिन उस टाइम
पूछती हूँ, फिर अपने हाथ और पैरों की तस्वीरें भी पूछती है क्या आज मारिया घर के है बात मोबाइल चेक करती है ये लोग नहीं पड़ा बहुत देखिए किसी का भी रेंडमली मोबाइल उठाए इस वक्त हम चारों का मोबाइल उठाए रेंडमली जिसके कोड लगाओगे उसकी एक्सटेंशन होगी नहीं तो कोड ही इन्होंने लगा के दिया मुझे मुझे नहीं आता कि बच्चे उठा लेते हैं तो इन्होंने लगा के दिया कि कोड लगा देंगे ये देखिए निदा मेरा कोड नहीं लगा होता कभी मुझे कुछ नहीं आता मोबाइल में सिर्फ कॉल सुन सकता हूं कॉल कर सकता हूं मैसेज पढ़ सकता हूं मैसेज कर सकता हूं बाकी सारी बोल रहा सेल्फी लेता है इतनी अच्छी अच्छी सब कुछ ये करता नहीं क्योंकि थोड़े दिन पहले इवन डीपी भी चेंज करनी है तो ये इन्होंने कहा क्योंकि थोड़े दिन पहले इनका पासवर्ड प्रॉब्लम कर रहा था इनका तो वो भी ये चेंज कर और मेरे पास आए सुबह मारियो देखो फेसबुक नहीं मेरे तो मैं अपनी आंखों में पासवर्ड लगा रहा तो मोबाइल की जरूरत ही नहीं अच्छा फेसबुक मेरा हैक हो गया तो इसने 2 मिनट में रिकवर करा दिया इसको सब कुछ आता है सदफ ने तो मेरी वो वाली निदा सदफ ने मेरी वो वाली आईडीज रिकवर कर दी जो मैं बचपन में यूज किया करता था मारिया इस मामले में बहुत ज्यादा मैं कभी पकड़े गए कई दफा माशा क्या सलूक क्या किया गया माशाल्लाह से क्या नहीं क्या हुआ क्या नहीं किया गया एक बच्चे को छोटे को इधर उठाया हुआ दूसरे को इधर बिठाया हुआ गाड़ी चला के जा रहा हूँ घर वापस ये पिछले 6-8 सालों से एक दफा किसी की कॉल आई यूं करके सदफ ने नंबर देखा कॉल मिस कॉल मेरे मोबाइल पे यूं करके नंबर देखा ये तो उस लड़की का नंबर है मैंने कहा किस लड़की का मुझे भी नहीं पता मैं इसको लाई है लड़की खुदा के लिए तेरी नहीं ये उसका नंबर है यार सदफ खुदा के लिए यार मैंने कहा सदफ नहीं हो सकता ऐसा नहीं कहती देख लीजिएगा मैंने कहा ओके 3-4 दिन के बाद फिर उस नंबर से कॉल आई तो मैंने हेलो किया तो आगे से वही सेम लड़की थी जिसका इसने नाम लिया माय गॉड मैं किसी भी प्लम्बर के नाम से लड़की का नंबर सेव कर लो उसे पता होता ये कौन सा नया प्लम्बर आया तेज मेमोरी है सर सदा जदीद जब मियां की बात आती है तो सदफ को सब याद यही तो कह रहा था बीवी कौन है और खिदमत गुजार मियां कौन है होता है ना कपल में ज्यादा कभी कोई खिदमत गुजार मैं तो बहुत खिदमत करता हूं खिदमत गुजार नहीं है मैं भी करती सदर भी करती है मैं तो बहुत हर सदर भी करती मतलब तबीयत कभी कभी प्यार आता है सदर को कभी कभी मुझे ये पता है कि अगर ये शूट पर है तो आपको ज्यादा पता चलेगा जब मैं बीमार हूं तब पता चलेगा आप करते हैं खिदमत नहीं अगर ये जैसे शूट पर से ये भी आ रही मैं भी यार मुझे पता है थकन इसको भी तो मैं जाके चाय बना लूंगा अपनी भी इसके लिए भी तो खाना मैंने निकाल दिया मैंने सब मैं शूट पर जा रही हूं पैसे कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं कि मैं देखता हूं बच्चों को तो तुम फिक्र ना करो तो मैं कर लूंगा सारा खिदमत इज बेसिकली अगर आप कहीं कोई बीमार हो जाए तो अंडरस्टैंडिंग है और स्पेशली शोबिज में मैंने देखा ये ज्यादा होता है जो हस्बैंड वाइफ होते हैं इस तरह मिलजुल के काम करते हैं मैंने नॉर्मली नहीं देखा कपल कि बीवी अगर काम कर रही है हस्बैंड इतना कोऑपरेट नहीं कर रहा ये टाइम प्रेगनेंसी में मेरे बहुत आया कि एक सम टाइम मैं डल हो रही हूँ बिल्कुल डल हो रही हूँ मुझे ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रही हूँ ये उठा के मुझे बड़ी रोटी वोटी बना तल के और खिलाते थे कि तुम इस वक्त ये खा लो इस वक्त योगर्ट ले लो तो मिल्क ले लो तुम आज ये खा लो तुम ये वाला शेक पी लो इस टाइम पे उन्होंने मेरा बहुत किया है कि माशाल्लाह और ये हम फ्रेश नजर आते हैं हमारी बॉन्डिंग की वजह से और किसी को इतना बताना नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ सबको हमारे उससे लग रहा है अक्सर लोग कहते हैं ना कि हाँ खुशी बताई नहीं जाती आपके चेहरे से पता लगती है बस घर पगले का शुक्र है बाकी मेरे घर में तो बाकी सब कहते हैं ज्यादा मत बताया करो नजर हो सही कहते हैं क्योंकि 100 लोग देख रहे होते हैं मैं तो कहती हूँ जब भी किसी की खुशी में सुने मैं तो दिल में माशाल्लाह कह देती हूँ हर कपल खुशी रहे माशाल्लाह अच्छा जब बच्चे बीमार होते हैं खुदा ना खासा तो कौन ज्यादा पैनिक करता है
ब्लड नहीं देख सकता, किसी का भी नहीं देख सकता। अच्छा, खास कर बच्चों का तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अब चोट लग गई, उंगली कट गई या कुछ हो गया तो वो सदफ ने पकड़ा हुआ होगा, सदफ ही गाड़ी चला रही होगी, मैं सिर्फ साथ बेहोश पड़ा हुआ। मेरे साथ तो मैं अपने भाई का एक वाक्य बताऊं, लॉन्ग टाइम बैक, शादी भी नहीं हुई थी, तो छोटा भाई है मेरे से 4 साल छोटा, सुना है तो उसने, उसकी मुझे कोई बात बाहर की पता चली कि ऐसे वीडियो गेम पे बैठा हुआ था, वहाँ लड़कों के साथ बैठा हुआ, तो मुझे गुस्सा आया, घर आया तो मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। उसके थोड़े दिन पहले कान पे किसी दरख्त से उसको यहाँ चोट लग गई थी तो कट गया था, तो वो मेरे ख्याल में महीना हुआ था तो वो कच्चा ही था, इतना कोई पका नहीं था, सही नहीं हुआ था, तो मैंने उसे थप्पड़ जब मारा है ना तो उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब उसके बाद उसकी ब्लीडिंग को छोड़ के पूरे घर वाले इंक्लूडिंग सुमेर मुझे चुप करवा रहे थे कि भाई चुप हो जाओ यार, कुछ नहीं हुआ, ये पहले की चोट है, चुप हो जाओ। मैं इतना रोया था कि मैंने अपने भाई को मार दिया और उसके खून निकल आया और वो अम्मी अब्बू बहन मेरी सुमेर खुद बैठा, भाई कुछ नहीं हुआ, भाई कुछ नहीं हुआ। अब उमेर को ब्लैकमेल करना मेरे साथ बड़ा मसला, एक ऐसा कट्टी मारने दे, ये तो अक्सर केचप लगा के दिखा रही होती है, उनका तो अक्सर ये केचप लगा के आ गई, मैंने ये मेरे हाथ काट दिया, देखिए ये देवर नहीं दिलाया तो बस खून से लव लेटर, इस पे झुमके नहीं आए तो बस अच्छा, ये होता है कि बच्चे बीमार या कुछ होने, मैं तो ये बहुत पैनिक हो जाता है इसमें, और मैं बड़ी अच्छे से हैंडल कर रही हूं, चलो बुखार है, मैं पट्टी वट्टी रख लूंगी, चलो ये थर्मामीटर चेक कर लिया, मेडिसिन दे दूंगा, पूरे साथ बैठ, इस बार बुखार चेक किया, अब कितना है, अब कितना होगा, डॉक्टर की बताओ कितने बजे लेके जाने, कौन सी मेडिसिन दे दी, अरे मैं इंजेक्शन लगते नहीं देख सकता बच्चों को, मतलब मुझे लग जाए मुझे कोई इशू नहीं होता, वैक्सीनेशन होनी है, अब कौन सी डी हो गई, अब कौन सी इंजेक्शन का फोबिया तो मुझे भी है, वैक्सीन खाई मुझे नहीं है तो वो मुझे लगा लो कुछ नहीं है, मुझे बच्चों की नहीं देख सकती वैक्सीनेशन, वो सब चीजों का मुझे बहुत ख्याल होता है बच्चों के मामले में कोई, और उसने मेड से पूछना, अभी मैं घर जाऊंगा तो पूछूंगा इसने क्या खाया, इतने बजे ये दूध पिया हुआ था, इसने क्या खाया, क्या तुमने खाने को दिया, तो मैं बहुत फिक्रमंद। अच्छा, बच्चों की बर्थडे, एनिवर्सरीज, शादी की सालगिरह, वैलेंटाइन या कोई और ऐसी चीज होती है, न्यू ईयर वगैरह, वो सेलिब्रेट करने में कौन कौन आगे रहते हैं? मैं तो बहुत यहाँ पे, या ये नहीं, मेरे तरफ सिर्फ सदफ होती है, मैं तो बहुत याद भी उसी को रहती है, इवन मेरे बर्थडे भी सदफ पे जरूर मनाने चाहिए बच्चों, इनके लिए बर्थडे सेलिब्रेट करना, बच्चों की एनिवर्सरीज मेरे होते हैं सर, हाँ, एनिवर्सरीज वो करती है, लेकिन बच्चों के बर्थडे में मैं कहता हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अच्छे से अच्छे बर्थडे करने इनके, तो जरूरी है बचपन में ही वो ना करें तो फिर कब करें, कब करें, और यहाँ पे सदफ तो सदफ करती है, मैं कुछ बताती भी नहीं हूँ कि ये हो रहा है, बोला कैसे करोगी, कर लूंगी। अच्छा, कभी उमेर ऐसे ही रस्ते से वो होता है ना क्या, गजरा फूल ये सब लाने वाले मुझसे शुमार है इनका? बिल्कुल भी नहीं। और इनका कभी भी नहीं, एक फूल भी नहीं। भाई गजरे वजरे कौन पहनता है, ये ऐसे ही लाते हैं भैया। नहीं नहीं, आप गिफ्ट लाते हैं, तो हम इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, वो आप 20 रुपए के गजरे को रो रही हैं। अच्छा, अगर ले आए तो तुम लोग पहनोगे? नहीं नहीं, निदा 20 रुपए के गजरे को आप देखो इशू बना रहे हो यार, हमारे तो वही बात है, महंगे गिफ्ट दिला रहे हो, तो चीजें दिला रहे हैं, शॉपिंग करा रहे हैं, नहीं मुझे, लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं है, बुके मुझे, मुझे तो कमरे में फ्लावर्स होने चाहिए, घर में फ्लावर्स, गजरे वजरे का नहीं। तो मैं भी जैसे ये इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, कि मैं तुम्हें क्या दे गिफ्ट में? परफ्यूम्स। और तुम्हें? मुझे भी परफ्यूम्स, लेकिन परफ्यूम्स के अलावा मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो मुझे एक चीज की वो नहीं होती, परफ्यूम्स ये खुद खरीद लेती हैं, बल्कि मेरे लिए भी यही, इनके लिए ड्रेसेस मेरे लिए हो जाते हैं, मेरी मेरी मुंह पे कितनी अच्छी लाइट पड़ी साइड नीचे से आ रही है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर से भी नीचे से, इतनी इंपॉर्टेंट, कपड़े में बहुत ज्यादा खरीदता हूँ इनके लिए, बहुत ज्यादा, मतलब हम जब बाजार जाएंगे हम कोई प्लान नहीं होता, मैं कपड़े ये खरीद लो, ये नई भी करेगी ले लो, ये भी ले लो, ये क्योंकि मॉर्निंग शो पे जाना तो ये पहनना है, वेस्टर्न ईस्टर्न सब कपड़े होने चाहिए। अच्छा अच्छा, अगर जैसे कभी खाना होता है ना लग जाता है और उसमें से थोड़ी लगने की आने लगती है, थोड़ा जल जाता है, और अगर तुम इन लोगों के सामने टेबल पे रख दो तो ये क्या करेंगे, खाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा करेंगे, टेबल तक पहुंचाऊंगी उसे? कभी भी नहीं, नहीं हाँ, मैं खुद नहीं खाती तो मैं मियाँ को क्या खिलाऊंगी? नहीं, मेरे से तो अव्वल तो इतना खाना ना लगे, कि फुली कॉन्सेंट्रेशन से मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद में सारे काम करती हूँ, अगर कभी ऐसा हो जाए तो फैसल खा लेंगे, उन्हें फील भी नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं, मुझे तो मैं कहता हूँ एक हफ्ते पुराना खाना भी दे दो गर्म करके, नहीं पेट भरने मुझे 5 मिनट में टेबल पे, नखरा नहीं है, नहीं नहीं खाने कुछ नहीं, फ्रीजर में, लेकिन एक हफ्ते पुराना खाना नहीं, नखरा नहीं है कि ये नहीं खाना, खा लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं, पुराना खाना नहीं खा सकता, मेरे लिए मैं खा लेता हूँ, ताजा खाना, ताजा खाना होता है मुझे,
लेकिन मैं खाता क्या हूँ आजकल, तो खाई नहीं रहा बेचारा कुछ भी। नहीं लेकिन वैसे भी आप, लेकिन वैसे भी हम जलावा मैं नहीं खा सकता, जलावा मेरे को पता चले जल गई। अब मैं मारी हूँ, मैं कह देता हूँ माशाल्लाह शो पे तो आप चारों ही तैयार होके आते। घर में सबसे कम तैयार कौन रहता है कि बस चार दिन तक की एक ही ट्राउजर पहना हुआ है, बनियान पहनी हुई है, कमीज सलवार तैयार नहीं, तैयार नहीं रहते। मैं इतना तैयार जरूर रहता हूँ कि मेरे ड्रेस रेडी होता है, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं 15 मिनट्स के उसमें पहुंच जाऊंगा। मेरे साथ हम सबके साथ ये कि हम 15 मिनट के मार्जिन से कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो वो पीछे वाले 4 घंटे भी तो बताओ जी, नहीं मेरे साथ कोई आएगा घर में पहचान जाएगा कि सदफ अमेरी है। लेकिन मैं वैसे सलवार कमीज नहीं पहनती, मैं ट्राउजर टी शर्ट और इस तरह के रिलैक्स कपड़े मारिया ने अपने किचन के कामों के लिए बता दो मेरे सारे बरमूडास तुम पहनती हो, तो वो कपड़े पहन के किचन का काम करती है, फिर फौरन दोबारा फ्रेश होकर दोबारा तैयार हो। लेकिन किचन के काम के लिए उसने कपड़े अलग, क्योंकि अगर वही कपड़े पहनते तो आपके पास से लहसुन और अदरक की बदबूएं आ रही होती है, अजीब सी मसाला और लहसुन और अदरक की खुशबुएं आ रही होती है तो वो अच्छा नहीं लगता, दूसरों को भी बुरा लग रहा होता। बड़ी अच्छी टिप दी और वो भी फैसल ने दी, तो जरूर और सदफ फैसल दोनों ने दिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हम आपके सामने हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज देखो फिर मैं फिर यूं हो रही हूँ, नींद नहीं पूरी होती ना तो ये देखो ये मैं यूं ही हुई। शुक्र है ही कंफर्टेबल है। बिल्कुल सही बात है, बहुत टफ जॉब आप करती हैं। हम आज एक शो पर आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, आप कंटिन्यू शो कर रही होती, बहुत मुश्किल काम है। नींद नहीं पूरी होती, मृदा के लिए क्लैप करें आप लोग। अच्छा आप चारों में से किसकी नींद पूरी नहीं होती तो वो चिड़चिड़ा हो जाते हैं। नींद आप लोगों के लिए लाजिम है, मारिया तो बहुत ज्यादा। अच्छा नींद माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि 8-10 घंटे की पूरी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है, 18 घंटे की कम से कम नींद पूरी होनी चाहिए। मेरी नहीं है इतनी लंबी क्योंकि मुझे बच्चों के साथ होता है। 18 घंटे क्या मतलब है यार, मतलब वो एक हफ्ते में या दो हफ्ते में दिन आता है जिसमें 20 घंटे सोना होता है, सोती रहती हूँ तभी तो खुश नजर आती है ना सोने के लिए। मारिया को भी बदमिजाज हो जाती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है नींद पूरी ना, तो मैं कहते रहता हूँ मारिया भी देखो बच्चे भी सो रहे हैं तुम सो जाओ तुम सो जाओ यार। लेकिन मुझे उतने टाइम पे नींद ही नहीं आती, बच्चे अगर 8 बजे सो जाए तो मैं कैसे सो जाऊँ 8 बजे, मुझे आती नहीं है यार। तो मैं इसको कल भी हम ये मैं ये कहते मैंने कहा देखो बच्चों के हिसाब से हमें चलना है अभी, क्योंकि हमें उनकी टाइमिंग के हिसाब से अपनी टाइमिंग सेट करनी है। अच्छा अगर फैसल जो है उनकी नींद पूरी ना हो तो चिड़चिड़े नहीं होते, हो जाते हैं निढाल हो रहा था, इतनी नींद आ रही थी और वो हम पूरा दिन उससे एक दिन पहले हम पूरा रात बाहर रहे थे, हमने सहरी भी इत्तेफाक से बाहर की थी, शॉपिंग पे गए हुए थे तो थकान बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मैं जरा सा लेटा आंख अभी नींद आई, परिहान ने आके झिंझोड़ कर अब्बा अब्बा अब्बा, मैंने कहा क्या हुआ, तेरी जरा वो रिमोट से ना चैनल बदल दे, मैं गुस्सा चढ़ा है, मैं मारियो खुदा के लिए तुम कम से कम देख रही मैं सो रहा हूँ, तुम ये सारे काम खुद कर लो, उसने आके झिंझोड़ दिया कि चैनल बदल दे जरा। नहीं मैं नीचे थी अम्मी के पास थी तो मैं ऊपर आई तो उन्होंने बताया कि मारे परिहान ये कर गई, तो मैं उस वक्त परिहान को अपने साथ ले गई कि इस वक्त अब्बा सो रहे हैं तुम नीचे चलो, मैंने कहा 2 मिनट के लिए फिर। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी आपको ब्रेक लेनी चाहिए विदाउट फोन विदाउट टीवी विदाउट पीपल, आप रिलैक्स करें आराम करें और कोई आपके साथ नहीं। हाँ बहुत जरूरी है, कभी कभी वाकई जिंदगी में ब्रेक चाहिए होता है ना इन चीजों से। अच्छा मारिया को रिलैक्स करने अपनी अम्मी की तरफ जा। हाँ अच्छा पता नहीं वाकई अम्मी की तरफ जाके ऐसी नींद आती है, मैं कहती हूँ अम्मी मुझे ऐसा लगता है मैं अभी गोदी में सो रही हूँ, इसलिए आती किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती, इनकी घर वाली आराम से पड़ी सोती रहती है, बच्चे भी वो लोग संभालते हैं, वो जो बहने वो इतना है कि परिहान वगैरह को सबको शावर दिला के साफ सुथरा चका चक भी तो इतनी पटाखे रखती है माशाल्लाह। मैं तो अगर वो दूं ना मदर्स डे पे कोई अवार्ड तो आपकी अम्मी को दूं, ऐसी ममता से भरपूर है, मुझे बड़ी अच्छी लगी माशाल्लाह। अच्छा अगर जो है वो लाइट चली जाती है तो बहुत शोर कौन मचाता है, जनरेटर काम नहीं कर रहा,
जो फॉरन कॉल होती है कहाँ है कितने बजे तक लाइट आएगी कहाँ हो तुम लोग गाली वाली ये चल रही होती है क्यों और क्योंकि वो हमारे घर में आजकल खत्म कुरान भी चल रहा है तो वो 12 से 2 बजे तक काफी औरतें वगैरह की क्लास होती तो वो गर्मी और जनरेटर कुछ नहीं कर सकता बच्चों की वजह से ज्यादा वो परेशान होते हैं कि नहीं बच्चों को गर्मी लगेगी या यूं होगा तो इसलिए वो जल्दी बच्चों की फिक्र होती है हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं ना बच्चों की तो फिक्र हमारे घर में तो बच्चे कहते हैं बाबा जल्दी जनरेटर चलाएं मम्मा आ जाएंगी पापा जल्दी सिर्फ ये होता है कि बच्चों परियान सुबह 6:30 बजे उठती है स्कूल के लिए वो नींद कैसे पूरी होगी वो रात में भी लाइट यही फिक्र खाई जा रही है क्योंकि रात में अगर लाइट चली गई तो हो गए काम यही अम्मा अब्बा को यही करना पड़ता है कि पंखा जलो ये काम हुआ है कल मैंने 2 घंटे बैठ के चार वाले पंखे भी ला के रखे अच्छा ऐसा होता है किसी का खून मीठा होता है ना तो मच्छर उसके पीछे ही पड़ जाता है जान के और हर वक्त मच्छर काट रहा होता है आप लोगों में से किसका शुमार होता है मच्छर हम लोगों को मीठे खून गर्मी में मिला चादर ही उगर के उड़ के पड़ता है यार अब लाइट नहीं है इंसान शर्ट वर्ट उतार के बरमूडे में लेट सकता है सब कुछ कर सकता है मैं चादर के अंदर सो रहा था मच्छर ऊपर घूम रहा था आजकल का तो हम लोग ने बनाया हुआ कि हम लोग अफ्तार करने के बाद अपने टेरेस में रात तक हम लोग टेरेस में होते हैं वहीं हम अफ्तार के बाद चाय भी पीते हैं वहीं गपशप वहीं फ्रेंड्स आ जाते हैं वहीं सब वहीं बैठना सब वहीं होता है अक्सर हम सहरी भी टेरेस में करते हैं क्योंकि वो ओपन एयर एरिया है काफी बड़ा एरिया है तो हम वहाँ पे करते हैं। अच्छा मैं देखा सवाल भूल गई क्या पूछ रही थी अल्लाह में क्या पूछ रही थी कैसे कभी देखा ऐसा भी होता है नहीं नए नए सवाल के लिए सवालों की कोई कमी है क्या हम लोग अच्छा कभी तैयार होते हो तुम लोग तो ये लोग तारीफे शारीफे करते हैं कि जरा हाँ ये ज्यादा हो गया कैसे तारीफ करते हैं पूछो जरा तुम सदफ हो सुने में सही लग ये सूट कर रहा है मेरे ऊपर हाँ बिल्कुल मोटी तो नहीं लग रही हाँ बिल्कुल सही लग रही हो ठीक है ये कलर तो देखे ऊपर तो करे आंखें तो दिखाए मतलब क्या मकसद है ठीक है बोल दिया ना क्या मसला है ये बाल सही है स्ट्रेट रखो कर्ल करो ठीक है ऐसे भी होंगे ना बाल तो कहेंगे ठीक है अच्छा मारिया मारिया की बारी इस पे एक चीज बताओ अब कल हम शॉपिंग कर रहे हैं तो एक बेसिकली एक कैरेक्टर के लिए शॉपिंग कर रही थी सदर ना तो सदर की थी ये वाला ठीक है तो अब मुझे पता होता है ना अब पता चलने लग गया वरना पहले मैं नहीं नोट करता था तो अब मैं नोट कर लेता हूँ सदर जाके जिसको पकड़ के खड़ी होगी और उसके बाद मुझसे पूछेगी ये वाला ठीक है तो मैं देखता हूँ कौन सा ठीक होना चाहिए तो मैं देखता हूँ जो हाथ में मैंने कहा ये वाला ठीक है सदर हाँ ये वाला ठीक है ओके मैं कह दूंगा वो वाला ठीक है नहीं वो क्यों अच्छा लग रहा है आपको मैंने कहा तुमने पूछा था मेरे से तो मैंने बता दिया अब हाथ में तुम्हारे वो तुमने वो लेना ले लो मुझसे क्यों पूछ रहा है अच्छा मारिया आप तुम तैयार हो क्या आई हो फर्ज करो मैं मारियो हाँ तुम फैसलो मैं मारियो सुने वो ये सही है ये दुपट्टा जा रहा है इस कपड़ों के साथ हाँ ये लेकिन लाइनर बहुत गंवार लग रहा है हाँ लिपस्टिक का शेड जो है ना बस लाल नहीं लगा ना ऐसा लगेगा फेफड़े चूस के आई हो ये नहीं ये हटाओ अच्छा ये सैंडल कौन सी पहनोगी अच्छा इयररिंग्स वाले निकाले जो मैंने दिए थे अच्छा नेल पेंट लगा लेना बल्कि वो एक्रेलिक वाले नेल्स वन टू ऑल मेरी एक एक चीज पे नजर होती है और यहाँ तक कि आयरन भी करूंगी तो ये भी होगा सेंटर पार्टी करूंगी या साइड की मांग निकालूंगी अच्छा, ये हुआ क्या कल क्या हुआ निदा 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 कल का सुनाऊं कल मुझे ना लागे ना एक ड्रेस दिखा रही है मेरे कपड़े तो आ गए निदा के शो के लिए भाई हाँ ये पहन के जाएंगे ठीक है इन्होंने मुझे लाके ड्रेस दिखाई ये कल ना मैं निदा के शो पे जाऊंगी ना तो ये वाले ड्रेस खुदा के मानो ही बिल्कुल बकवास सूट लग रहा है ये निदा के शो पे नहीं निदा का शो इतना अच्छा शो होता है अच्छे से कोई डर नहीं नहीं बहुत अच्छा है यूं है वो है मैंने कहा बहस करना फजूल है और रोजा था मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है जाओ कर लो जो करना सुबह उठी वो ड्रेस पहन के कितना बुरा लग रहा है वाकई आप सही कह रहे हो कितना बुरा लग रहा है मैं कितनी बुरी लग रही हूँ गई फिर दूसरा जो ड्रेस मैं कह रहा था मैंने कहा ये वो वाला पहनना वो लाइट ग्रीन सूट अच्छा नहीं क्योंकि मुझे अब दिमागी तौर पे ये होता है जब तक फैसल सेटिस्फाइड नहीं हो मैं बिल्कुल नहीं हो सकती आदत हो जाती है ना हो गई मुझे कि जब तक फैसल की चीजें सेटिस्फाइड ना हो मैं बड़ी ओवर स्मार्ट बन रही थी नहीं नहीं मैं जो मैंने सिलेक्ट किया मैं वही पहनूंगी पहली बार तबादित की थी और मुंह भी काला हो गया
इस सिचुएशन में मेरे साथ इशू है, मैं तैयार होकर आ जाऊंगा या मैं सदफ को ड्रेस नहीं दिखाऊंगा ना, मैं आप आगे सदफ सही लगा जा नहीं रहा, ट्राउजर जा नहीं रहा उसके शर्ट के साथ। मैंने कहा यार मैं कॉम्बिनेशन करके आया हूँ, कैसे नहीं जा रहा है? जा रहा है, नहीं 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 जा रहा जी, इसके साथ ये पहनने जाके अब वो पहन के आऊंगा। हाँ यार लग तो अच्छा रहा, ठीक है वो भी पहनना। मारिया को ये था, मारी शादी से पहले बिल्कुल मेकअप नहीं करती थी, तैयार नहीं होती थी, बड़ी सिंपल, बहुत क्योंकि जिस जगह मेरी शादी हो रही थी वहाँ मेरे लिए बिल्कुल फील्ड अलग थी है, क्योंकि फैसल जिस फील्ड में थे मेरे लिए लोग थोड़ा सा, तुम गाँव में ओपले यार, क्योंकि हर एक के लिए मीडिया की फील्ड अलग होती है। आप एक नॉर्मल बंदे से पूछेंगे तो हर कोई मीडिया की नोहा नहीं रखता, मीडिया के लोगों का अलग हिसाब किताब होता है। जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ये है कि गांव में तो ये बहुत सिंपल थी, कॉलेज से घर वाली लाइफ जो होती है नॉर्मली लड़कियों की जो जिंदगी होती है, तो वो वाली जिंदगी थी, तो कोई इतने ज्यादा वो नहीं था। कितनी भैंसे थी तुम्हारे पास? पांच पांच और एक बकरा, फिर टाइम तो लगता होगा। तो बस ये हुआ कि शादी के बाद मारिया ने अपने आप को काट दिया। तुम दोनों की गलत बात होगी। ओह बहुत मजा आया, और वाकई होता है ना रोजे में एनर्जी लेवल डाउन होता है, लेकिन तुम लोगों की बातें इतनी मजे की थी कि मेरी एनर्जी तो हाई हो गई है। अब मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा गुजरेगा। थैंक यू सो मच फैसल, मारिया, सदफ, उमर, और बाकी टाइम कैसे गुजर गया पता नहीं चला, हालांकि रमजान में शो थोड़े से लंबे होते हैं। आधा दिन तो गुजर गया, आधा दिन और गुजर जाएगा, अभी जाके तुम सो जाओगे, गुजर जाएगा, अभी जाके सो जाए ना आप, इसलिए आप कह रहे हैं। हमारा तीन घंटे तो मैंने सोना है, बाकी सही है, हमारा तो दिन अब शुरू हुआ है, बिल्कुल है ना। आप जाके भी पकौड़े तलने? नहीं मैं नहीं पकौड़े तलती, मैं तलवाती हूँ। चलिए जी यहाँ हम वाइंड अप करते हैं, खुदा हाफिज़ करते हैं, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी फ्रेश सी मॉर्निंग के साथ। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।